चलिए भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं रवि, आप सब लोगों का इस करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी फटाफट क्लास को, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पेन कॉपी पेन से लेकर बैठ जाइए। डिस्कस करने वाले हैं सभी तमाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उससे संबंधित जितने भी सारे फैक्ट्स आपके बन सकते हैं। जैसा कि कल भी बता दिया था मैंने आप लोगों को, और ओवरसली इवेंट में आपने देख भी लिया हो कि 1 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में जो है जितने भी सारे इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर होते हैं वो सारे के सारे चीजों को एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 8 अक्टूबर तक की जितने भी सारे वीकली करंट अफेयर्स जितने भी सारे हुए हैं उनको वन लाइनर के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे आपकी आने वाली अगली 40 या 50 या 1 घंटे तक। उसके बाद में उनके ऊपर बेस्ड आपको 60 से 70 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। तो पहले हम वन लाइनर डिस्कस करेंगे, देन फिर उसके बाद एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए आप सब लोगों क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग जितने भी सारे लोग जुड़ रहे हैं, एक बार आप लोग एक कमेंट में सेट कर देता हूँ। अर्पित, श्रीशम, रितेश, मनीषा, मीनाक्षी, अजीत वर्मा, यूपीएससी, लव, अक्षय, करण, टारगेट 2024, विवेक यादव, फ्रेंड एनडी लवर, करण कुमार, शिवम, मीनाक्षी, सब लोग गुड मॉर्निंग बेटा, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड। सेम इस साइड मनीषा, पुनीत एसपी, रजनी, गुड मॉर्निंग भाई, सब लोग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप लोगों के भाई। हाँ बिल्कुल सही, नवरात्रि का जो पावन पर्व है वो स्टार्ट हो गया है, तो आप सब लोगों को जो है वो नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, और माता रानी जो है वो आप सब लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें, आप लोगों को इस काबिल बनाए कि आप इस देश दुनिया की सेवा कर सको और किसी गरीब लाचार बेसहाय के सहारे बन सको, भगवान आपको इस लायक बनाए। जय हिंद भाई सब लोगों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना सेशन। इसमें डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली फर्स्ट वीक ऑफ वन लाइनर अक्टूबर 2023 का जो आपका हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के पास ऑफिशियल एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एयरफोर्स के लिए आपको कल कहने का मतलब परसों है ना, परसों जो है आप सुबह हमारे साथ 9:45 पे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो है आरंभ है प्रचंड, जो है आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट खबर या इम्पोर्टेंट इवेंट लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे तो दबंग बैच के साथ आप एनरोल कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो है क्रैश कोर्स जो है आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज से कि इस अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर जो है वो कौन कौन सी खबरें जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो इंपोर्टेंट रही है, जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है, तो उनको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी लव, थैंक यू सर, आपकी क्लास लेकर मेरा नेवी में सिलेक्शन हो गया है। यूपीएससी लव, थैंक यू सो मच भाई, गॉड ब्लेस यू, और बाकी सबका भी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर जो है सिलेक्शन हो ही जाए। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता अगर बात करें या उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वो कहां पर हुई, तो याद रखना ऑब्वियसली ये गृह मंत्री के अंदर में आता, तो गृह मंत्री कौन, अमित शाह हो जाएंगे, ठीक है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद या नॉर्थ जोनल काउंसिल की जो मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई, तो याद रखना अमृतसर में हुई है। तो अमृतसर में जो है वो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जो है क्या हुई, सबमिट हुई है या कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है, मीटिंग हुई है। दक्षिण दक्षिण ज्ञान साझाकरण श्रृंखला जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, कहने का मतलब यह है कि हाल ही में जो है साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज जो है वो शुरू की गई है, तो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो याद रखना वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू की गई है, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई है। तो यहां पर हमने दो चीजें डिस्कस कर ली कि सर जो नॉर्थ जोनल की जो मीटिंग थी वो कहां पर हुई, सर वो अमृतसर में हुई। दूसरी अगर बात करें दक्षिणी दक्षिणी साझा ज्ञान जो है बेसिकली अगर बात के सम्मेलन जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगर इसमें पूछे कि किसने भाग लिया, तो हमारे जो कौशल राज्य मंत्री हैं, देखो दो तरह के, तीन तरह के मंत्री होते हैं, आप सबको पता है, एक तो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं जिसको, एक अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बोलते हैं, और एक बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब एक तो होता है केंद्रीय मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, और एक होता है आपका स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। तो यहां पर जो आपको याद रखना है केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा आयोजित दक्षिण दक्षिण ज्ञान साझाकरण श्रृंखला में भाग लिया, ठीक है। हाल ही में आकाशवाणी
दादोह जो है वो उसका ऊपर एक एफएम रिले स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो आपसे पूछे गए बताइए ये आकाशवाणी दाहोद जो है ये बेसिकली किस राज्य के अंदर पड़ता है? ठीक है, तो याद रखना गुजरात के अंदर, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा आकाशवाणी दाहोद। तो दाहोद एफएम रिले जो है वो अगर बात करें तो उसकी शुरुआत या उसकी उद्घाटन या उसकी आधारशिला जो है वो रखी गई प्रधानमंत्री के द्वारा। पर आपको ये लिखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दाहोद जो है जगह कहां पर हो जाएगी, गुजरात में हो जाएगी। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित कर लिया? ठीक है ना, तो आपको याद रखना है सर किस राज्यसभा ने, तो उड़ीसा की जो विधानसभा जो है उसने क्या कर लिया, अब अपने वहां पर लैंड एक्विजिशन बिल जो है उसको क्या कर लिया है, पारित कर लिया है। ठीक है, लिखिए जरा, किसी को डाउट है तो पूछिए। गुड मॉर्निंग भाई, जितने भी सारे लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, प्रवीण कुमार, इनोसेंट गर्ल, ठीक है, प्रगति त्रिपाठी, विकास जडेजा, सुधांशु कुमार, चलिए बताइए आपका सही। एक बार आप लिख लो तो एक बार बता दीजिए ना। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड बैंक जो है 1944, और ये सारी सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिवीजन क्लास है, ऑब्वियसली रिवीजन क्लास में थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी। रिवीजन क्लास में जो है वो बाकी जितने भी सारे इफेक्ट्स जो है वो हम क्योंकि इस पूरे वीक में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पर अच्छी बात है। जैसे कि मनीषा अगर बात करें तो तैयारी कर रही है कि कमेंट लिख रही है कि सर 1944 में वर्ल्ड बैंक आया था, ठीक है ना, और अजय बंगा जो है इसके हेड हो जाएंगे। तो अगर आप इसमें इनके रिगार्डिंग में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और अगर नहीं पता है कोई इन्फॉर्मेशन तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। किसी जैसे कि उड़ीसा के सीएम और गवर्नर कौन हो जाएंगे या गुजरात के सीएम और गवर्नर कौन हो जाएंगे, कोई चीज अगर नहीं पता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए स्लाइड की रिगार्डिंग में कि सर इस स्लाइड में जो चार खबरें हैं इसमें से मुझे ये वाली खबर के बारे में नहीं पता है या मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो आप मुझे बता दीजिए एक बार, ठीक है। क्योंकि तो मैं मोटा मोटी मार के चल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीक में, तो ये आप सब लोगों को पता होंगी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य ने जो है 100% ODF प्लस स्टेटस हासिल किया है? तो अभी हमने डिस्कस किया था पिछले वीक जब मैंने पढ़ाया था आप सब लोगों को, पिछले वीक जिसमें मैंने सितंबर का 4th जो वीक वन लाइनर डिस्कस किया था, तो हमारे कितने गांव जो है वो बेसिकली ODF प्लस घोषित कर दिए गए हैं। तो हमारे जो कितने गांव है वो तो 75% है ना, तो 75% भारत के गांव जो है, 75% भारत के गांव जो है उनको जो है वो ODF प्लस, अगर बात मतलब खुले में शौच मुक्त जो है, ODF का मतलब होता है ओपन डेफिसिट फैसिलिटी, अगर बात करें तो खुले में शौच मुक्त जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो 75% भारत के गांव को जो है ये स्टेटस मिल चुका है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और कौन सा आपको याद रखना है, यूपी, ठीक है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो जाएगा और यूपी क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। तो हाल ही में यूपी ने जो है वो 100% जो है वो ODF प्लस कवरेज क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है। हाल ही में किस राज्य ने जो है वो आयुष बोर्ड, आयुष आपको पता होगा बेटा, आयुष, आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है, आयुर्वेदा, है ना, आयुर्वेदा अगर बात करें, ठीक है, इसके अलावा योगा, यू से यूनानी, एस से सीधा और एच से होम्योपैथी, ठीक है, ये हमारी पारंपरिक जो चिकित्सा है उन सबको करने के लिए आयुष बोर्ड की गठन। तो आयुष बोर्ड हाल ही में किस राज्य के द्वारा जो है अपने वहां पर आयुष बोर्ड का गठन किया गया, तो याद रखना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर से भारतीय भाषा उत्सव जो है और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहां पर बनाया गया, तो भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है ये अगर बात करें तो आपको कहां पर बनाया गया, तो ये नई दिल्ली में बनाया गया। हाल ही में खबरों में रहा कैमूर टाइगर रिजर्व कहां पर हो जाएगा, तो याद रखना कैमूर टाइगर रिजर्व जो है वो अगर बात करें तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा और ये भारत का जो है 56वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा जब बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला, इसमें मिलेगा, अभी बन के तैयार हुआ नहीं है, ठीक है, अभी इसकी अनाउंसमेंट हुई है, इसको जब वो कागज पत्री का सारे के सारे काम ऑफिशियल काम हो जाएगा तो ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी से AK-47 जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम है भाई, बिल्कुल वही आ रहा है जितना पढ़ाया गया है, ठीक है, चाहे वो 13 तारीख के बच्चों से बात कर लीजिए, चाहे 14th वाले के साथ बात कर लीजिए, एनालिसिस आपका दोनों दिनों का हो रखा है। अगर आप एनालिसिस को पढ़कर भी जाओगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा और उसको लगभग लगभग हूबहू आपको वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम है आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट बेटा, ठीक है। चलिए देखो फिर से रिपीट कर देते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की दो खबरें जो है वो हमारी नजरों में रही। पहली खबर रही कि सर ODF प्लस जो है वो स्टेटस हासिल किया है उत्तर प्रदेश ने। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने बोला है कि हमारे यहाँ पर हम जो है वो आयुष बोर्ड जो है उसका क्या करेंगे, तो आयुष बोर्ड की स्थापना करेंगे, ऐसा उत्तर प्रदेश ने कहा है, ठीक है। देन इसके बाद हमने पढ़ा कि जो नई दिल्ली है उसमें भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। और बिहार के अंदर जो है वो दूसरा टाइगर रिजर्व आने वाला है। पहला कौन सा हो जाएगा बेटा, तो पहला आपको पता होना चाहिए, पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। कुशाल भाई, आयुष बोर्ड क्या होता है? आयुष बोर्ड मैंने बताया भी था, आयुष की फुल फॉर्म पढ़ोगे जरा तो ए से आयुर्वेद हो जाएगा, वाई से अगर बात करें तो योगा हो जाएगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। ये हमारी कुछ बेसिकली अगर बात करें तो चिकित्सा, या बेसिकली अगर बात करते तो कह सकते हैं कि जो हेल्थ सिस्टम जो हमारा, जो हम पुराने जमाने से यूज करते हैं और अभी, ठीक है ना, कहते नहीं कि अरे यार अंग्रेजी अंग्रेजी दवाई से क्या करो, होम्योपैथी की दवाई ले लेते हैं, ठीक है ना, आयुर्वेद की दवाई लेके देख लेते हैं जरा फर्क होता है या नहीं होता है ना। तो ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी हेल्थ प्रणाली है, ये आपकी स्वास्थ्य प्रणाली है जिसके तहत हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं, इलाज करते हैं। तो इनको बढ़ावा देने के लिए, इनके ऊपर काम करने के लिए आयुष मंत्रालय का क्या हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है ना। आयुष मंत्रालय कौन है हमारे आयुष मंत्री, आयुष मंत्री सबको पता कौन है, सर्वानंद सोनोवाल हो जाएंगे आयुष मंत्री, ठीक है। तो आयुष बोर्ड ऐसा ही जो है वो बनाया जाएगा यूपी सरकार के द्वारा, ठीक है। कैमूर जो है वो टाइगर रिजर्व दूसरा हो जाएगा, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा, तो याद ना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपका पहला हो जाएगा। और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी जो है बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। भारतीय भाषा उत्सव जो है, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय भाषा दिवस बनाने की बात हो रही है, तो 11 दिसंबर याद है ना बेटा, 11 दिसंबर को हम क्या बनाएंगे, भारतीय भारतीय भाषा दिवस, भारतीय भाषा दिवस बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले आपको करवाया था भारतीय भाषा उत्सव जो है, ये क्या है, ये बेटा याद रखना, ये है भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। अगर आपसे कोई पूछे कि हाल ही में 75 डेज का भारतीय भाषा उत्सव जो है वो कहां से शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना लखनऊ से शुरू हुआ था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे 75 दिनों का, 75 डेज का जो है ये स्टार्ट हुआ था बेटा याद रखना, 75 डेज का भारतीय भाषा उत्सव, भारतीय भाषा उत्सव जो है वो किस किस शहर से स्टार्ट हुआ था, तो याद रखना सर, तब आंसर हो जाएगा क्या, लखनऊ से स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था, लखनऊ से स्टार्ट हुआ था। और अगर आपसे पूछे भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी सबमिट कहां पर हुई है, देन फिर आप बोल दो कि सर न्यू दिल्ली में हुई। सबमिट की बात करें तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा, फेस्टिवल की बात करेंगे तो लखनऊ में हो जाएगा। कितने दिनों का फेस्टिवल होगा, 75 डेज का फेस्टिवल होगा, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं याद हो रहा है या नहीं पता है तो कॉपी के पन्ने पलट के देख लो, मैंने करवाया हुआ है ये, ठीक है। चलिए, संकल्प सप्ताह बनाने की बात हो रखी, संकल्प सप्ताह कौन सा था, मैंने बताया भी था, देश भर के 112 ऐसे जिले जो सबसे पिछड़े हुए हैं उनको अगर बात करें तो अच्छा करने के लिए, है ना, मतलब देश भर में जितने भी सारे जिले हैं उनमें से 112 बहुत पिछड़े जिले हैं, सबसे पिछड़े जिले। तो मान लो जैसे कि 656 के आसपास कुछ जिले बताए जाते हैं, अब तो आगे बढ़ते बढ़ते रहते हैं, ऐसा कुछ टोटल हार्ड एंड फास्ट आपको याद नहीं करना है। तो 650 से ज्यादा जो है हमारे देश में पूरे में जिले हैं, उसमें से 112 जिले जो सबसे नीचे, जो नीचे अगर बात के बॉटम से जो सबसे गरीब है, जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है और बहुत सारे लोग जो है भुखमरी के शिकार है, XYZ जितने भी सारे जो है, तो उनके लिए जो है एक बेसिकली वर्ड यूज होता है, उनके लिए वर्ड होता है आकांक्षी, आकांक्षी जिले उनको बोला जाता है। तो आकांक्षी जिलों को में से भी जो है उनको और अच्छे तरीके बनाने के लिए संकल्प सप्ताह का जो है आयोजन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो संकल्प सप्ताह बनाया गया वो कब से कब तक बनाया गया, तो याद रखना बेटा संकल्प सप्ताह जो है वो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में जो है संकल्प सप्ताह जो है उसका शुभारंभ किया गया। इसका जो मेन इवेंट जो था वो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था, याद रखना। तो संकल्प सप्ताह जो है 3 से 9 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाएगा, तो याद है ना, जो बहुत पिछड़े जिले हैं जिनको हमने आकांक्षी जिला बोल सकते हैं, तो आकांक्षी जिलों के लिए ना, आकांक्षी जिलों के लिए जो है ये संकल्प सप्ताह जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है।
इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इतना ही याद करना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो नई दिल्ली में जो है इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। इसके अंदर 3 देशों ने भाग लिया था। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? बस इतना याद रखना कि फोर्थ इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव जो है वो कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ, ठीक है? ठीक है भाई। रमेश बिश्नोई, गुड मॉर्निंग भाई। चाइल्ड विल बी चाइल्ड, सुपर बात सर, सुपर बात भाई, सुपर बात। आगे बढ़े, ठीक, अगली खबर पढ़ते हैं। हाल ही में हमने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ में? तो अर्जेंटीना के साथ में, याद रखना। तो भारत ने जो है वो अर्जेंटीना के साथ में जो है सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है? विंटर एक्शन प्लान अनवील्ड बाय द दिल्ली चीफ मिनिस्टर। शीतकालीन कार्य योजना जो है, ठीक है ना? आप सुबह सुबह बंदा ना कह रहा है, ठीक है ना? और यहां से जहां पर मैं रहता हूँ और यहाँ पर जो इतना ऑफिस है, इसके अंदर शायद 4 या 5 किलोमीटर का जो है ना वो फर्क है, जिसमें बीच में एक हाईवे भी आता है। भाई साहब इतनी धूल है ना, इतनी धूल अपने गांव में नहीं उड़ती होगी। ऐसा गंदा हाल हो रखा है दिल्ली का, ठीक है ना? वहां पर अभी मेट्रो का काम चल रहा है, रोड पूरी टूटी हुई है, ठीक है ना? गड्ढे खोदे हुए हैं, इतना गंदा हाल है ना। मतलब मैं भी बचपन से गांव में रहा हूं, बट इतनी आंधी धूल मिट्टी तो तब भी नहीं आती जब वो लू चलती है, ठीक है ना? और आंधी टाइप गांव में जब आती रहती है, बोलते ना अरे गांव में तो बहुत डस्ट वस्ट और वो सारी की सारी चीजें, शहरों का उससे भी गंदा हाल हो रखा है। मैं यही सोच रहा था, मैं देखो ये है, हम दिल्ली में रह रहे हैं, देश की राजधानी जो है। तो विंटर एक्शन प्लान किसके लिए हो जाएगा? प्रदूषण को रोकने के लिए हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है अब सीजन आने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जनवरी फरवरी ये सीजन होता है। और ये मैंने महसूस करना स्टार्ट कर दिया है कि सुबह सुबह जब मैं आता हूँ तो मुझे खुद से महसूस होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है या आंखों में जो है ना ऐसे गंदे वाली जलन होती है। जब मैं हाईवे वाला रूट पकड़ता हूँ, मुश्किल से बेमुश्किल मुझे 2 किलोमीटर हाईवे के ऊपर मेरे को जो है ना अपनी गाड़ी चलानी होती है, बट फिर भी जो है इतना गंदा हाल होता है। मतलब वो मेरे को भी महसूस होता है कि हाँ कि अब भाई भाई वो वाला सीजन, तो इसमें जो ODI वाला और वो सारी की सारी चीजें जो है ना, तो दिल्ली के अंदर जो है वो आपका एक्शन प्लान जो है। अब की बार देखते हैं कि दिल्ली किसको दोष देगी, ठीक है ना? क्योंकि पहले तो बोल देते थे कि पंजाब के साइड से, हरियाणा के साइड से पराली वराली और वो सारी की सारी चीजें वगैरह, नहीं वो फर्क पड़ता था, उससे फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि फर्क नहीं पड़ता है, बट अब तो पंजाब में इनकी सरकार है, तो देखते हैं कि क्या कहते हैं, है ना, केजरीवाल साहब। तो विंटर एक्शन प्लान जो है वो दिल्ली चीफ मिनिस्टर के द्वारा क्या किया गया, उसको बेसिकली अगर बात करें तो उसको अमलीजामा पहनाया गया। चलिए, इंडिया होस्ट पाटा ट्रेवल मार्ट 2023, ठीक है? तो दिल्ली में जो है वो पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी की। तो याद रखना, पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 100% गांव के साथ में जो है वो जम्मू कश्मीर। देखो अभी हमने किसके बारे में बात किया था, हमने राज्य के बारे में बात किया था, है ना? तो 100% जो है वो ODF जो है स्टेटस हासिल करने वाला, अगर राज्य पूछा जाए हाल ही में राज्य कौन सा हुआ, तो राज्य लिख देना सर यूपी, और हाल ही में सर यूनियन टेरिटरी कौन सी हुई, तो यूनियन टेरिटरी कौन सी, लाड लो जम्मू कश्मीर हुई। कौन सी हुई है? जम्मू कश्मीर हुई है, ठीक है। उबर सस्टेनेटिव स्टार्टअप चैलेंज, आप देखो ये आपके नाम में ही आ रहा है तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। भारत के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण का उद्घाटन जो है वो कहां पर हुआ? तो याद रखना ना, एक कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। आप देखो जहां भी कहीं भी फर्स्ट आ जाएगा इंपोर्टेंट हो जाएगा, तो कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सिस्टम, ठीक है ना? तो हाई टेक्नोलॉजी के साथ में युक्त जो है भारत का पहला ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कहां पर आपका खुलेगा? ग्वालियर के अंदर खुलेगा बेटा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में खुलेगा, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कि देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहां खुलेगा? तो ये खुलेगा आपका कहां पर? ग्वालियर के अंदर। तो ग्वालियर कहां हो जाएगा बेटा? तो ग्वालियर हो जाएगा बेसिकली आपका कहां पर? तो ग्वालियर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो पहला हाईटेक सेंटर ग्वालियर में, 100% ODF प्लस के साथ बनने वाला यूनियन टेरिटरी आपका हो जाएगा
जम्मू कश्मीर, ठीक है, और पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 का उद्घाटन अगर बात करें तो ये मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा, याद है। लिखिए, किसी को पाटा के फुल फॉर्म नहीं पता तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन हो जाएगा पाटा। विमल 2024 में एनडीए एग्जाम कब होगा? 2024 का एनडीए एग्जाम कब होगा? 21 अप्रैल को है भाई, ठीक है ना, 21 अप्रैल को। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, सितंबर अक्टूबर नवंबर, या अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने करंट अफेयर आती है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज से बेस्ट कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। तो हमने सारी की सारी जो है वो नेशनल न्यूज को हमने डिस्कस कर लिया है। पैसिफिक एशिया ट्रेवल जो है वो एसोसिएशन अगर बात करें, ठीक है, ये आपकी पाटा के फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। लिखिए अंतरराष्ट्रीय खबर, लिखिए रहेगा, गौतम यादव गुड मॉर्निंग भाई। अंतरराष्ट्रीय समाचार के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग 40वें स्थान पर है, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर रहा। 2050 तक भारतीय बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी, याद रखना। तो भारत के अंदर जो है वो बुजुर्ग जो है वो पूरी जनसंख्या का, पूरी पॉपुलेशन का 20% हो जाएगा 2050 तक। और अमेरिका के मैरीलैंड में जो है वो सबसे बड़ी भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो है उसका जो है वो क्या हुआ, अनावरण किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो कहां पर, तो अमेरिका के मैरीलैंड में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 2050 तक बोला गया है कि आज की डेट में भारत की जनसंख्या के 10% लोग बुजुर्ग हैं, तो 2050 तक भारत में दुगने बुजुर्ग हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब कितना है कि 20% जो है वो पूरी जनसंख्या का 2050 में जो है वो क्या हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएंगे। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो उसमें भारत 40वें स्थान पर रहा है, स्विट्जरलैंड क्या रहा, टॉप पर रहा। तीनों बड़ी इंपोर्टेंट खबरें हो जाएगी। लिखिए पुनीत, पढ़ ले बेटा, समझ में आया? दिवाकर कुमार यादव, विमल गुड मॉर्निंग भाई। मनीषा बिल्कुल से, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसका हेडक्वार्टर जो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। रेखा मैम गुड मॉर्निंग, ठीक है, आगे बढ़े भाई। तो ग्लोबल इनोवेशन में कितने रैंकिंग है, भारत की 40वें नंबर पर, स्विट्जरलैंड रहा टॉप के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2050 तक जो है भारत के अंदर बुजुर्गों की संख्या जो है, 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या क्या हो जाएगी, 20% जो है वो बेसिकली हो जाएगी, 20% हो जाएगी। और अमेरिका के मैरीलैंड में सबसे बड़ी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट कौन कौन से पर्सन जो है वो किस किस पद के ऊपर अपॉइंट हुए हैं। पहला है मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल इंडिया के सरेश गुप्ता बनाए गए अध्यक्ष, ठीक है, मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल, ठीक है, मीडिया आजकल तो मतलब क्या ही बोले बस, ठीक है ना, सारी की सारी। भाई साहब फिलिस्तीन इजराइल, ठीक है, एक TV9 भारतवर्ष है, जब से यूक्रेन और रशिया युद्ध स्टार्ट हुआ भाई साहब, एक ऐसा एक बात ऐसा चैनल है जिसको मैंने देखा, कभी भी मैं देखूंगा कुछ ना कुछ तो यूक्रेन और रूस के ऊपर मिलेगी मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ तो वो करते ही रहेंगे। अब ये इजराइल और हिमास वाला होगा तो उनको तो और कंटेंट मिल गया है, मजे मार रहे हैं, ठीक है ना। मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल इंडिया के हेड बनाए गए कौन, शैलेश गुप्ता बनाए गए हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की, भारत के अंदर जो एडवर्टीजमेंट आने वाले हैं, कभी कभी एडवर्टीजमेंट
बेसिकली अगर बात करते इतने ऑफेंसिव होते हैं, ठीक है ना, कि घर वालों के साथ भी एडवर्टीजमेंट देखना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अभी एक पता नहीं कौन से एक एडवर्टीजमेंट आया है, ठीक है ना, जिसमें जो है वो कुरकुरे चिप्स का, ये पता नहीं मतलब कुरकुरा कहने वाले वो वाला कुरकुरे नहीं, जो बेसिकली जो मेन कंपनी है कुरकुरे की, कुछ ऐसा ही अगर बात करें तो स्नैक्स टाइप का, स्नैक बोल देता, स्नैक वर्ड सही होगा, स्नैक का कुछ एक ऐसा एक वीडियो है जो कल या परसों हूं मैं वर्ल्ड कप का जब मैच देख रहा था, उसके अंदर वो गाली दे रहा है पर उसमें बीप है, ठीक है ना, मतलब गाली दे रहा है उसमें बट उसमें बीप है और सबको पता लग रहा है, नॉर्मली पता लग रहा है कि हाँ भाई हाँ गाली दे रहा है ये, अब कौन सी गाली दे रहा है वो भी उससे पता लग जाता है, ठीक है ना, तो मतलब ये कौन सा एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है ना। तो मैं देख रहा था भाई यार मतलब क्या ही होने वाला है, मतलब आजकल तो गाली देना मतलब अपने आप में शान समझते हैं, ठीक है ना, तो वो वाली बात है। तो भारत के अंदर किस टाइप का जो एडवर्टीजमेंट आएगा उसके लिए आपके एक भारतीय विज्ञान परिषद, मानक परिषद है, उसके अध्यक्ष चुने गए कौन, सौरभ गुप्ता, सॉरी सौगात गुप्ता, अगर बात करें तो सौगात गुप्ता भारतीय विज्ञान मानक परिषद के चुने गए हैं, और दूसरा मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल के चुने गए हैं कौन, शैलेश गुप्ता, कौन चुने गए, शैलेश गुप्ता, ठीक है। एमवी ब्लॉक सर, एयरफोर्स वाई ग्रुप की कट ऑफ कितनी जाएगी, ज्यादा नहीं जाती है, 27, 28, 29 इतनी ही जाती है, अभी आपका पूरा पेपर हुआ नहीं है तो फिर इसके ऊपर अभी कर नहीं सकते, हाँ पूरा पेपर होने के बाद जो आपको एक कट ऑफ के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए महिमा मैम गुड मॉर्निंग, हाँ पाखी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सेजलिंग या सिजलिंग होट कुरकुरे करके कुछ ऐसा कुछ है, हाँ बाकी कुछ लगभग लगभग इस जैसा ही कुछ ऐसा जो है एक एडवर्टीजमेंट जो आजकल मार्केट में जो है आया है। यूपीएससी के जो है वो मेंबर अपॉइंट किए गए हैं, कौन किए गए हैं तो याद रखना दिनेश दासा, तो दिनेश दासा यूपीएससी के मेंबर अपॉइंट किए गए, एडवर्टीजमेंट काउंसिल, एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड चुने गए सौगात गुप्ता, मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल के चुने गए हैं कौन आपके, शैलेश गुप्ता, ठीक है, ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको पीटीआई बोलते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अगर बात करें तो इसके जो है वो चुने गए हैं के एन शांत कुमार, तो के एन शांत कुमार जो है वो पीटीआई के जो है और वो अगर बात करें तो अध्यक्ष चुने गए हैं, तो पीटीआई बोर्ड के या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई जिसको बोलते हैं, तो पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए कौन, तो के एन शांत कुमार हो जाएंगे, ठीक है, लिखिएगा। सक्सेस लाइफ गुड मॉर्निंग भाई, बिल्कुल हाँ अभी से अगर बात करें, बिल्कुल अभी से जो है वो कर दीजिए एसएसपी की तैयारी भाई, अजय राम राम भाई, सुनील धामीवाल गुड मॉर्निंग भाई, अमन जय माता दी, चलिए ठीक है। तो मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल के हेड चुने गए कौन, शैलेश गुप्ता, ओ मतलब गला तो ऐसा फटा स्पीकर जैसा होने लग गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर के किनारे या बॉर्डर के ऊपर जो है रोड बनाते हैं बीआरओ जिसको बोलते हैं, एक टाइम पीरियड ऐसा आता था कि बीआरओ की भर्तियां होती थी, अच्छी खासी भर्तियां होती थी बीआरओ के अंदर, हरियाणा के अंदर जो है ये बड़ा फेमस था बीआरओ, ठीक है, क्योंकि जब मैं एनडी वनडी की तैयारी कर रहा था तो मेरे साथी जितने भी सारे लोग थे वो बीआरओ वगैरह की तैयारी वैयारी कर रहे थे, जो गांव के जो बच्चे जो होते हैं, ठीक है ना, बीआरओ में इतनी रेस मारनी होती है और वो वगैरह वगैरह, हरियाणा वाला को तो अच्छे से पता होगा आसपास में, ठीक है ना, बट भर्ती आज की डेट में है ही नहीं, आज की डेट में तो एक बड़ी अजीब सी खबर जो है वो मेरे को पंजाब में से सुनने को मिली, कि एक पंजाब का एक बेसिकली अगर बात कर जवान, शायद उसके सिर में गोली लगी थी, मैंने इसको खबर को पूरा पढ़ा नहीं है, मैं कल बताऊंगा जरा, ठीक है ना, जितनी जितनी खबर मैंने पढ़ी, जितना मेरे को वो मैंने हेडलाइन और जितना सारा मैं पढ़ सका, ठीक है, ज्यादा मैं इसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट करूंगा नहीं, बट थोड़े से मेरे को सुनने को मेरे को अजीब लगा कि अग्निवीर भर्ती के तहत जो है वो पंजाब का एक जो है ना जवान जो है वो भारतीय सेना में शामिल हुआ था और उसके सिर पे गोली लगी, अब मुझे नहीं पता कि वो आतंकवादी मुठभेड़ में लगी या
आपस में कुछ ऐसा कुछ हुआ था, गलती से लगी थी, मुझे वो खबर मुझे पूरी पता नहीं है, बट इतना जो उसको उसका जो टाइटल जो मैंने पढ़ा वो टाइटल ये पढ़ा था कि उसमें जो है सिन्हा ने जो है वो बेसिकली अगर बात की तो उसको सलामी नहीं दी। अमूमन क्या होता है कि हमारे देश में अगर कोई सेना का जवान शहीद होता है तो सेना की तरफ से जो है वो बेसिकली अगर बात करें उसका पैतृक गांव में या पैतृक जगह के ऊपर उसका पार्थिव शरीर लेकर आया जाता है और सेना के द्वारा सलामी दी जाती है। ठीक है, तो पंजाब के एक्स गवर्नर के द्वारा ये जो है, मैं कल या मैं इसको आज पढ़ूंगा क्योंकि ये खबर मेरे जहन में है और मुझे पढ़नी भी है। तो वहां पर जो है उस न्यूज़पेपर का जो टाइटल था तो ये टाइटल था कि क्या अग्निवीर को जो है वो बेसिकली अगर बात के तो शहीद का दर्जा नहीं देगी क्या ये सरकार, कुछ ऐसे से करके जो एक खबर थी। ठीक है ना, वो आप पढ़िएगा जरा, मैं भी पढ़ूंगा जरा कि इसमें क्या चीज है। अगर ऐसा है तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि पहले तो तुम लोगों ने 4 साल के लिए भर्ती कर दिया। और कल इस पिछले वीक में जो जैसे हमास ने जो है जैसे हमला किया है, हमास ने जैसे इजराइल के ऊपर हमला किया, और इजराइल तो वन ऑफ द बेस्ट जो है वो बोला जाता है कि भाई हम तो हमारी टेक्नोलॉजी और वो सारे के सारे चीजें, तो इसके मुताबिक तो हमें तो थोड़ा सा और ज्यादा तैयार होना चाहिए क्योंकि हमारे तो पड़ोसी देश जो है दोनों जो है ना वो बड़े खतरनाक है। एक खबर आपको नहीं पता तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर जो पत्थरबाजी जो होती थी, कश्मीर के अंदर जो पत्थरबाजी होती थी अभी भी होती है, बट वो अलग बात है कि खबरों में नहीं आती है, कम हो गई है, बट बेसिकली बिल्कुल तरीके बिल्कुल मतलब 100% तो बंद नहीं हुई है। कश्मीर में जो पत्थरबाजी का जो पैटर्न जो है वो कहाँ से फॉलो किया गया था, तो वो फॉलो किया गया था फिलिस्तीन से। नहीं पता तो किसी को बता देता हूँ, फिलिस्तीन के अंदर जो है ये अगर बात की तो पैटर्न फॉलो किया जाता था वहां के लड़ाकों के द्वारा कि पत्थर मारने वाली घटनाएं जो है फिलिस्तीन से स्टार्ट हुई थी, और फिलिस्तीन के उसी पैटर्न को जो है फॉलो करते हुए कश्मीर के अंदर जो है पत्थरबाजी घटनाओं में जो है वो बढ़ोतरी हुई, पत्थरबाजी घटनाएं स्टार्ट हुई। तो डर इतना सा ही है, भगवान ना करे, मेरी इतनी जुबान इतनी कड़वी नहीं है, इतनी काली नहीं है, बट फिर भी अगर बात करें कि अगर वो वैसी हरकतें वैसी टेक्नोलॉजी को अगर वो तबाह कर सकते हैं खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना, और तो हमें तो हमारी सेना को और बढ़िया तरीके से जो है ना वो बेसिकली अगर बात करें तो करना चाहिए, पर बाकी ठीक है, हम तो यही कर सकते हैं भगवान जी से हाथ जोड़ के, भैया कि भगवान जी आज का दिन भी चला गया, क्योंकि मेरे को तो डर है कि चुनाव आने वाले हैं 2024, तो उससे पहले राम जाने क्या होगा। ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की याद रखना जरा, डायरेक्टर जनरल जो है चुने गए, कौन चुने गए, तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जो है वो BRO के डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं। CBDT के जो अध्यक्ष है उनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है नितिन गुप्ता का। ठीक है, वाइस एडमिरल तरुण सोबती जरूर याद रखना है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अगर बात करें तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है ना, डेप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो अगर बात करें तो नियुक्त किए गए हैं। और अमित अग्रवाल जो आधार के जो CEO है उनका भी टाइम पीरियड क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। चारों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखिए रहा गोलू कुमार जी, सर हमने भी पढ़ी थी ये खबर। हाँ चमन सिंह सर, पुलिस वाले ने सलामी दी थी बस। हाँ जी सर, ये खबर हमने पढ़ी थी, मेरे भाई के साथ ट्रेनिंग हुई थी अभी उसकी। सर मैं भी गुरु जी BRO से बाहर हुआ था क्लर्क में। ओके चमन भाई, कोई ना, कोई और बढ़िया जगह हो जाएगा भाई, कोई ना। विवेक यादव ब्रांड, CBDT क्या होता है सर? CBDT होता है बेटा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देखो दो टैक्स होते हैं, दो तरह के कर होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं कमा रहा हूं, मेरी सैलरी आ रही है और मेरी सैलरी एक जो सरकार ने जो एक स्लैब जो है ना, एक स्लैब जो है, एक पैमाना जो है वो निर्धारित कर रखा है कि भाई रवि अगर तुम्हारी सैलरी 6 लाख से साल में अगर 6 लाख की बनती है तो हम आपसे 10% जो है ना वो 10% आपको सरकार को देना होगा। तो वैसे ही अगर मेरा एक पैरामीटर सेट है, टैक्स स्लैब बोलते हैं इसको, बोलते हैं इनकम टैक्स स्लैब, है ना, तो एक टैक्स स्लैब है, उस स्लैब को अगर मैं क्रॉस कर दूंगा तो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो क्योंकि मैं कमा रहा हूं तो मैं डायरेक्ट सरकार को दे रहा हूं तो वो मेरा डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो उस डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक संस्था हो जाएगी भाई, जिसको CBDT बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ इस जीवन के दो सत्य हैं,
इस जीवन के अंदर दो सत्य हैं। दो सत्य क्या हैं? एक वो जो आदमी पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, और दूसरा सत्य ये है कि जो आदमी पैदा हुआ है वो टैक्स जरूर देगा। ठीक है, तो मैं दोनों तरह के टैक्स देता हूँ, डायरेक्ट टैक्स देता हूँ और इनडायरेक्ट टैक्स देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स आप सब लोग भी देते हो, दुनिया का हर अगर बात के छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग जो है वो टैक्स देता है। इनडायरेक्ट तो देता ही देता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपने कोई पेन कॉपी पेंसिल चॉकलेट वॉकलेट कुछ भी खरीदा, अगर बात करें आपने क्या किया, पैसा किसको दिया, दुकानदार को दिया, दुकानदार आगे किसको दे रहा है, सरकार को दे रहा है। ठीक है ना, तो कभी आपने देखा तो उसमें लिखा होता है एमआरपी लिखा होता है, उसमें लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, इसमें सारे के सारे टैक्स क्या है, इंक्लूड है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स को जो कैलकुलेट करता है वो करता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो सीबीआईसी जो है वो उसके हो जाएंगे संजय अग्रवाल, अगर आपको नहीं याद है तो लिख लीजिए, सीबीआईसी के हो जाएंगे संजय अग्रवाल, और सीबीडीटी के जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, नितिन गुप्ता, जिसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। देन अगर आगे हमने पढ़ा कि जो बेसिकली अगर बात की तो वॉइस एडमिरल तरुण सोबती जो है वो उप नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। तो नौसेना प्रमुख आपको पता होगा आर हरि कुमार है, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे आपके, तरुण सोबती हो जाएंगे वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, सेंट्रल सरकार ने जो है वो बेसिकली आधार, आधार को बोलते यूआईडीआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यू से यूनिक, आईडी से आइडेंटिफिकेशन, ए से अथॉरिटी, आई से इंडिया। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड हो जाएंगे कौन, अमित अग्रवाल, उसको एक साल के लिए जो है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़े। यार मिस्टर भूमि यार एसआई सर शिफ्ट में B3 दिया है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा यार। पहली बात तो जो है ना, B3 कहने का मतलब ये है कि आपका हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में जो है वो तीसरी शिफ्ट के अंदर आपका आपका हो, और मुझे नहीं पता कि आप कौन सी शिफ्ट के अंदर बोल रहे हो या किस शिफ्ट के अंदर बोल रहे हो। अगर एयरफोर्स के पेपर की बात कर रहे हो तो ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं भाई, वो पता लग जाएगा कि आपको तीसरी शिफ्ट हो जाएगी, ए शिफ्ट बी शिफ्ट सी शिफ्ट। क्यों माथा मार रहे भाई इस चीज के लिए, क्या समझने में क्या करना है भाई। आरबीआई ने जो है मनीष कपूर को अपना जो है, आरबीआई ने मनीष कपूर को अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो मनीष कपूर जो है वो बेसिकली अगर बात करें आपका नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया किसका, आरबीआई का, याद रखना जरा। तो आरबीआई का न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है कौन हो जाएंगे, तो मनीष कपूर हो जाएंगे। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो आपकी बीमा करती है जैसे LIC है वैसे ही, तो रामास्वामी एन को जो है वो GIS का जो है वो हेड चुना गया है, और मुनीश कुमार जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएंगे आरबीआई। मैंने आप लोगों को चिकित्सा के अंदर बता दिए थे सारे के सारे नोबेल पुरस्कार, मैंने बता भी दिए थे। तो पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो बेसिकली अगर बात करें किनको मिला है, कैटलिन को मिला है और विजमैन को मिला है, किसके लिए, मेडिसिन के लिए। कैटालिन, कैटालिन को पढ़ते हुए क्या याद आ रहा है, कैट, कैटरीना, कैट याद आ रहा है, कैट। तो कैट ने क्या कर ली भाई, कैट ने ड्रू, ड्रू से क्या आ रहा है, ड्यू आ रहा है। तो कैट ने भाई ज्यादा ड्यू पी ली थी, इसके लिए जो है उसको क्या करना पड़ा, उसके लिए उसको क्या करना पड़ी, उसको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ी। तो कैट ने, कैटरीना कैफ ने, मतलब कैट ने ज्यादा ड्यू पी ली थी इसलिए उसको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ी। तो जहां पर कैट दिखे कैटलिन ऑप्शन में, और जहां पर ड्रू दिखे, ड्रू से क्या हो जाएगा, ड्यू। तो कैट ने ज्यादा ड्यू पी ली थी जिसकी वजह से उसको दवाई लेने की जरूरत पड़ी, जिसके लिए उसको मेडिसिन लेना पड़ा, याद रखना जरा। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं आपका अगला। नाम है भैया एगोस्टिन क्राउच और लुहियर। इनको जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो फिजिक्स के लिए जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखना जरा। इनका पूरा नाम नहीं, इनका पूरा नाम आप लिख लेना जरा, उससे ट्रिक बनेगी, उससे आप ट्रिक देख लेना जरा एक बार, ठीक है ना।
रुई किसी अंग, ठीक है ना, रुई किसी अंग जो है उनको अगर बात करें, झांग लिख ली, झांग से समझ में आ जाएगा, तो झांग को जो है वो अगर बात करें क्या मिला है गणित में, जो 2023 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार है वो मिला है, ठीक है, बाबेंडे ब्रूस और इकीमोवा को जो है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है, नॉर्वे के लेखक अगर अगर बात करें तो जॉन फॉस्टर को जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, जॉन फॉस्टर को मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, जॉन फॉस्टर साहित्य में हो जाएगा, बावंडी ब्रूस और इकीमोवा इनको जो है रसायन विज्ञान के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए लिखिएगा, हाँ एमआरए वैक्सीन के लिए मिला था, क्वांटम डॉट्स के लिए केमिस्ट्री में मिला था, बिल्कुल सही, बिल्कुल भाई सचिन, हाँ इकोनॉमिक्स का क्लाउड ग्लाइडिन को मिला है, बहुत बढ़िया, पुनीत पढ़ ले बेटा, पढ़ ले पढ़ ले, ठीक है, ज्यादा खी खी की मत कर, पढ़ ले बेटा, करंट अफेयर कितने मार्क्स की, स्टे अवे फ्रॉम मी, एक तो नाम इतने खतरनाक खतरनाक लिख देते हो तुम लोग, तुम्हारे माँ बाप ने भाई साहब तुम्हारे पतरा पतरा निकलवाया होगा, तुम्हारी कुंडली वुंडली निकलवाई होगी पंडित को, कि मैं 150 रुपये दिए होंगे, जब जाके पंडित ने जो है ना तुम्हारे नाम का बताया होगा कि भैया ए पे नाम निकलेगा बी पे नाम निकलेगा, यहाँ पर भाई साहब तुम लोग जो है और माँ का लाडला पापा की परी पता नहीं क्या क्या नाम लिखते फिरते तुम घूम रहे हो, तो स्टे अवे फ्रॉम मी है, पेपर टू पेपर डिपेंड करते हैं, आप किसी एग्जाम के बारे में पूछो कि करंट अफेयर कितने नंबर का आता है, नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, ये कहाँ की हो जाएगी, तो ईरान की हो जाएगी, याद रखना ये ईरान की हो जाएगी, तो ईरान की नरगिस मोहम्मदी को जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, ताइवान ने अपनी पहली परमाणु, या सॉरी परमाणु नहीं है सॉरी पनडुब्बी है खुद की, तो ताइवान ने जो है पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी जिसका नाम क्या हो जाएगा हाइकुन, तो हाइकुन जो है वो ताइवान की जो है पनडुब्बी हो जाएगी, हाइकुन याद रखना जरा, ठीक है, हाल ही में जो है भारत बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज का जो 11वां अभ्यास है वो मेघालय में शुरू हुआ है, तो संप्रीति 11 जो अभी हाल ही में एक्सरसाइज हुई किसके साथ हुई, भारत और बांग्लादेश के साथ में होती है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ संप्रीति, देन इसके अलावा बेसिकली आपका कौन सा हो जाएगा बोंगो सागर, बोंगो सागर हो जाएगी, बोंगो सागर, मैनामती मैत्री, मैनामती मैत्री, और एक हो जाएगी कोऑर्डिनेट पेट्रोल कॉरपेट, ये चारों एक्सरसाइज भारत की बांग्लादेश के साथ होती हैं, ठीक है, चल तो ताइवान की खुद की घर की पनडुब्बी का क्या नाम हो जाएगा हाइकुन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइकुन हो जाएगा, याद रखना, शराब ये देखो पुनीत बेटा, या तो इंग्लिश अच्छे से लिख लो या हिंदी अच्छे से लिख लो, आप स्ट्रिक्टली बहुत हो सर, अच्छा लगता है मुझे, शुभम भाई गुड मॉर्निंग, चल आगे बढ़ते हैं, हाँ 1901 में स्थापना हुई थी, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको पता है बेटा, ईरान ने नूर 3 रॉकेट का जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो लॉन्च किया, तो नूर 3 रॉकेट किसका हो जाएगा, देखो नूर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, नूर 3 या नूर उपग्रह जो है, नूर उपग्रह हो जाएगा किसका, ईरान का, बट अगर आपसे पूछे नूरी तो नूरी क्या हो जाएगा, रॉकेट हो जाएगा, नूरी रॉकेट है किसका, दक्षिण कोरिया का, तो नूर सैटेलाइट है नूरी रॉकेट है, ठीक है ना, या ओगन 3 3, ये क्या हो जाएगा उपग्रह हो जाएगा किसका, चीन का, तो हाल ही में या ओगन उपग्रह छोड़ा गया, तो किसके द्वारा छोड़ा गया, चीन के द्वारा छोड़ा गया, रिमोट सेंसिंग का ये उपग्रह हो जाएगा भाई, इसे खेल जो है वो आप पढ़ लेना जरा,
इसके रिगार्डिंग में आज मेरे पास टाइम लगेगा तो मैं अपने ग्रुप के ऊपर जो है वो अपडेट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा मेजर साहब पीडीएफ। ट्राई करूंगा कि आज जो है आपको पूरा जो है वो एशियन गेम जो जहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो मेजर साहब पीडीएफ के ऊपर हम आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्पोर्ट्स अब जो है ना, ये सारे के सारे खबरें जो है वो एशियन गेम से संबंधित है। क्या कर लिया है कि भारत की 10 मीटर एयर पिस्टल ने जो है वो वर्ल्ड कप सॉरी एशियन गेम में अगर बात की तो गोल्ड मेडल जीता है। कुछ अलग खिलाड़ियों के नाम जो है वो जरूर याद है, जैसे कि ये आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछेगा कि बतेरा रोसी पीना देवी ने हाल ही में किस में रजत पदक जीता है, किस खेल में रजत पदक जीता है, तो वुशु में। या उल्टा पूछ लेगा, वुशु में जो है भारत को किसने सिल्वर मेडल दिलवाया, तो याद रखना रोश बीना ने। ठीक है ना, तो ऐसे खिलाड़ियों के नाम जिनको हम नहीं जानते हैं जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर उसको थोड़ा सा भी ये रहा कि मेरे को तो उसने कसम खा ली एग्जामिनर ने कि भाई साहब मेरे को तो इसके एशियन गेम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाना ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ जब मैंने बैंक वगैरह के एग्जाम जब दिए थे, जब भी कोई ऐसा गेम होता था तो वो जानबूझ कर जो है जो गोल्ड मोड हम क्या करते थे, अमूमन यही होता है 99% जो है वो लोग ऐसे ही करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल जितने भी सारे लोगों ने जीते हैं उनको थोड़ा सा याद करके जाते थे, क्योंकि इतने ज्यादा गोल्ड मेडल अपने आते भी नहीं है। ठीक है, अब चीन जैसा तो है नहीं, जिसे चीन ने 200 गोल्ड मेडल जीत ली, अपने यहाँ जिस दिन 200 गोल्ड मेडल आ जाएंगे उस दिन तो भाई साहब हमारी करंट अफेयर तो भरी जाएगी, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, पर अच्छी बात है, जितने भी सारे मेडल आए बहुत बढ़िया बात है। तो अमूमन क्या होता है वो थोड़ा सा जो है ऐसे आपको डिफिकल्टी, आपको थोड़ा सा मतलब आप माथा पकड़ दो बस क्वेश्चन को पढ़कर कि यार एशियन गेम तो मुझे मैंने तो याद किए थे पर पता नहीं ये कहां से क्वेश्चन आर्ट का। तो याद रखना है रोसी बीना देवी ने जो है वो क्या किया है, वुशु के अंदर जो है वो रजत पदक हासिल किया है। ये सारे जो है अब आपको जो है देखने को मिल जाएंगे भाई एशियन गेम से संबंधित, ये आपकी पूरी की पूरी जो है आपको तो टेनिस जो है उसमें जो है हमने मिक्स टेनिस डबल्स में जो है वो हमने गोल्ड मेडल जीता है, 25 मीटर टीम में हमने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। आईसीसी क्रिकेट कल क्या खतरनाक मैच हुआ भाई साहब, है ना, ब्लेज एंड टोंक जो है वहां के शुभंकर हो जाएंगे आईसीसी की, याद रखना। पुरुषों की जो स्क्वैश टीम है इसने जो है पाकिस्तान को हराकर अगर बात क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, लिखिए जरा एक बार आप समझो, लिखिए जरा हाँ 201 भाई, मतलब वो अमूमन वो आम मतलब सचिन भाई मैंने वो आम चाल की भाषा बोलते ना कि जैसे कि 200 गोल्ड अगर बात करें नॉर्मल, स्टे अवे फ्रॉम मी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिख दिया वहां मिलेगी। सविता जांगरा सर मैथ में वीक हैं और बाकी सब में तो मैं परफेक्ट हूं, मैथ ही क्लास नहीं होगी क्या, मैथ ही क्लास भी होगी क्यों नहीं होगी, मैथ की क्लास भी होती है चैनल के ऊपर। दुर्गेश कुमार डांगी सर मैंने कल चैनल सर्च किया था, नहीं आप नहीं अच्छे से नहीं किया होगा ना, टेलीग्राम पे जाना लिखना एट द रेट, पहले बात तो एट द रेट के साथ में लिखना एम ए जे ओ आर मेजर साहब, एस ए एच ए बी साहब और पीडीएफ, नहीं आप ज्वाइन हो पा रहे हो तो एट द रेट रवि PAR नहीं है PAR, ये किसी हमारे महान टीचर ने जो है 10वीं क्लास में मेरे नाम की स्पेलिंग ऐसे लिख दी, हमने भी नहीं पता था तब तक क्या होता है, रवि PAR KASH प्रकाश सरवाल। ठीक है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसके ऊपर मैसेज कर देना टेलीग्राम आईडी के ऊपर कि सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहा हूँ, मैं आपको ऐड करता हूँ। चल आगे बढ़ते, अब 50 मीटर राइफल में जो है भारतीय पुरुष टीम के द्वारा क्या जीता गया है, वो गोल्ड मेडल जीता गया है 50 मीटर में, 10 मीटर में भी जीता गया था, 50 मीटर में जीता गया था, याद रखना था। एशिया गेम के अंदर मुरली शंकर ने जो है वो लंबी कूद में रजत पदक जीता है, रोलर स्केटिंग में जो है भारतीय टीम को जो कांस्य पदक मिला है याद रखना था। आपसे पूछा जाए बधेरा कि रोलर स्केटिंग इवेंट में भारतीय महिला टीम को कौन सा पदक मिला, तो कांस्य पदक मिला। तजेंद्र सिंह तूर ने जो है वो शॉट पुट जो आपका जो गोला फेंक होता है उसके अंदर जो है क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ये सारी की सारी चीजें जो आपको याद करनी पड़ेंगी भाई, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है,
वर्ल्ड का 2000 फाइनल का 2023 का फाइनल होगा सर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, मेरे जन्मदिन वाले दिन। सचिन भाई अगर न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड तो चिपका देगा भारत को, इतना मुझे पता क्योंकि जो हमारे आईसीसी टूर्नामेंट में पिछले कुछ साल में जो है न्यूजीलैंड जो इतना बढ़िया जो है। ठीक है, अदिति अशोक क्या कौन सा गेम खेलते बेटा? अदिति अशोक याद है ना, अदिति अशोक खेलते गोल्फ, तो गोल्फ में भारत को ऐतिहासिक रजत पदक मिला, मतलब कभी आज तक ऐसा इस इतना बढ़िया हमें मेडल कभी मिला नहीं था। तो याद रखना अदिति गोल्फ खेलती है। ठीक है, अविनाश साल भी इन इस पर्सन ने भाई साहब 2 मेडल जीते, 3000 की मैं बात करूं तो 3000 मीटर में क्या जीता, 3000 मीटर में जीता स्वर्ण, और 5000 मीटर में जो जीता था वो क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, अविनाश सापले ने। ठीक है, ट्रैप पुरुष टीम ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मूल की हो जाएगी शांति परेरा, उसने सिंगापुर को एथलेटिक में पहला गोल्ड मेडल दिलवाया एशियन गेम का। तो भारतीय मूल की शांति परेरा ने जो है सिंगापुर का पहला एशियाई खेलों में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है सिंगापुर को। पारुल चौधरी जो है याद रखना जरा, यहां पर हमें सिल्वर मेडल मिला था मेंस में, पर पूरा पारुल चौधरी जो है वो 5000 मीटर में जो है स्वर्ण पदक, इनका मैच था भाई जो मैंने देखा, मतलब खतरनाक। स्टार्टिंग से ये जो है ना दूसरे तीसरे नंबर पे चल रही थी। ठीक है ना, एक टाइम पीरियड ऐसा है कि चौथे नंबर तक भी पहुंच गई थी। लास्ट के 100 मीटर के अंदर जो है, अब देखो रेस होती है तो अमूमन क्या होता है, रेस होती है तो अमूमन बंदी का जो है ध्यान होता है, देखो ऐसा 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 राउंड सर्कल होता है, ऐसा होता है। ठीक है ना, ये ट्रैक होता है ये पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो ये ट्रैक होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे ऐसे खड़े होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर बात करें तो बंदा जो लास्ट में जो 100 मीटर गया था तो वो बंदी यहाँ पर भाग रही थी, यहाँ पर मतलब इस किनारे की, इसके यहाँ पर भाग रही थी वो। अब इस किनारे भाग रही है, बिल्कुल इस किनारे भाग रही है। ठीक है, इतनी जगह थी कि एक उसके साइड में से निकल जाता है। तो अगर आप भाग रहे हो इस किनारे तो इस साइड पूरा ट्रैक खाली पड़ा है, तो आपका ध्यान क्या होगा, आपका ध्यान कभी कभी आपने देखा हो तो भागते भागते हम देखते हैं कि पीछे रहते हैं, देखते हैं कि कितना दूरी पर है, पता नहीं लगता ना, हम तो कंटिन्यूसली भाग रहे होते हैं। तो उस खिलाड़ी ने ऐसे देखा, इस साइड देखा, इस साइड देखा, तो उसको दिखाई नहीं दी। कैसे दिखाई देगी, क्योंकि वो यहां से निकल गई। तो आखिरी 100 मीटर के अंदर आप इनकी रेस देखिए, यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, सोनी स्पोर्ट्स के ऊपर आप जाके यूट्यूब पे सर्च करना, आपको आपको आखिरी की जो 100 मीटर जो है आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने जो है वो गोल्ड कमाया है। गोल्ड के लिए जो है इन्होंने, अगर बात करें जो है वो बेसिकली स्मार्ट तरीके से जो है इन्होंने गोल्ड जीता, मैं लाइव देख रहा था। ठीक है, इस चीज को सचिन तेंदुलकर जो है वनडे के लिए जो है वो बेसिकली आपका क्या माना, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर आईसीसी वनडे कप के लिए, याद है ना। जेवलिन के अंदर जो है वो दोनों में गोल्ड आया है, मेन में अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा, और आपके वुमेन में जो है वो बेसिकली अगर बात करें नूरानी। ठीक है, और बहुत गोल्ड दिलवा लिए भाई नीरज चोपड़ा साहब ने। ठीक है, अब वो एक स्टैंडर्ड मार्क सेट हो रखा है, अब उनकी स्टेटमेंट थी कि हो सकता है कि सर पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है वो बेसिकली वो डिफेंड ना कर पाए, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी तैयारी या मेहनत में कमी आ रही है, ऑब्वियसली उम्र ढलने के बाद वो थोड़ा सा होता ही है। ठीक है, तिरंदा जी कंपाउंड में जो है वो अगेन गोल्ड मेडल जीता। ईरानी ट्रॉफी याद रहा बेटा, ईरानी ट्रॉफी किसने जीती है, तो शेष भारत ने जीती, शेष भारत ने ईरानी ट्रॉफी जीती है। और एशियन चैंपियनशिप में जो है, एशियन गेम्स में जो है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और किशोर जेना ने जो है सिल्वर मेडल जीता था। और यह मैंने आपको बताया भी था, इनका थ्रो हो जाएगा 88.88 मीटर का था, और इनका जो थ्रो था अनुरानी का 60.92 मीटर। ठीक है, 62.92 मीटर इसका था, इनका था 88.88 मीटर। ठीक है, जेना का 87.776 कुछ ऐसा करके था। हाँ बिल्कुल, पारुल चौधरी जो है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मेरठ से आती हैं पारुल चौधरी। हाँ काजल मेघवाल आज क्लास 8 बजे तक है बेटा। पिंकी सेन गुड मॉर्निंग, प्रियंका कुमारी गुड मॉर्निंग भाई, शिव जय हिंद सर, जय हिंद भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुक्केबाज प्रीति पवार जो है इनको अगर बात करें तो कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत
भारतीय पुरुष टीम में जो है वो सैफ अंडर 19 जो है, सैफ अंडर 19 जो है वो बेसिकली अगर बात करें अंडर 19 जो है वो भारतीय टीम विजेता रही, याद रखना जरा। अहिना मुखर्जी और सिद्धार्थ सुथिरता मुखर्जी दोनों टेबल टेनिस खेलती हैं, याद रखना, इनको कांस्य पदक मिला है। सी हेलिन जो चीन के हो जाएंगे, इन्होंने जो है वो ऊंची रस्सी पर चल के जो है 1 मिनट और 15 सेकंड चले थे शायद, इन्होंने 100 मीटर चलकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है, याद रखना रहा। प्रीति पवार जो है मुक्केबाज हो जाएंगे। प्रियंका पढ़ ले बेटा, ठीक है ना, रेवाड़ी से हूं और ये वगैरह पढ़ ले बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैनो एक गेम होता है उसपे जो है वो कांस्य पदक मिला है, ठीक है। तो ये सेम गेम वाली न्यूज यार आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा इनको, इनके रिगार्डिंग में कौन कौन से आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह, पुरुष हॉकी टीम ने जो है 9 साल बाद जो है वो एशियन गेम में जो है वो गोल्ड मेडल जीता, याद रखना। स्क्वैश मिक्स में जो है वो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने गोल्ड मेडल जीता है। और 4x400 मीटर की रिले में टीम ने जो है भारतीय ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। 4x400 मीटर की भारतीय रिले टीम ने जो है क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। दीपिका पालीकल आपको पता होगा स्क्वैश खेलती हैं, इनके साथ में हरिंदर पाल संधू, इन्होंने गोल्ड जीता स्क्वैश मिक्स्ड में। शुभम भाई आप कमेंट कहां से पढ़ रहे हो, देखो ये कैमरा है, ठीक है ना, कैमरे के साइड में इसके नीचे एक टेबल रखा हुआ, एक स्टडी टेबल रखा हुआ, ठीक है ना, उसके ऊपर एक एलसीडी स्क्रीन लगी रहती है क्योंकि दो क्लासेस चल रही है और यहां से और यहां कमेंट का थोड़ा सा जो है वो मतलब साइज थोड़ा सा कम होता है तो मेरे को धुंधला धुंधला दिखता है, ठीक है, क्योंकि यहां से इस साइड होके मैं पढ़ाता हूँ तो डिस्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए मैं जब यहाँ आता हूँ इस साइड आता हूँ आप लोगों का तो मैं यहाँ से फिर कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है ना, यहाँ सामने अब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। सर एप्लीकेशन वाली काजल हूं मैं काजल मेघवाल मैडम, राम राम, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। ज्योति ज्योति सुरेखा याद रखना बेटा, ज्योति सुरेखा क्या खेलती हैं ये, तो ज्योति सुरेखा तीरंदाजी खेलती हैं, ठीक है। तो ज्योति सुरेखा ने क्या जीता है, महिला तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। महिलाओं की जो फ्री स्टाइल 62 किलो की अगर बात करें उसमें सोनम मलिक ने जो है वो क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जो है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता है बेटा और पुरुष ने भी जीता है। तो पुरुष में जो है वो भारत ने जीता है, किसको हराकर, ईरान को हराकर, ईरान को हराकर हमने ये मेडल जीता, ईरान को हराकर, बड़ा ही खतरनाक मैच था। और महिला कबड्डी टीम ने जो है वो चीनी ताइपे को हराकर, चीनी ताइपे को हराकर जो है वो कबड्डी के अंदर जो है वो मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। चलिए इंपोर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, 1 अक्टूबर को आपका इंपोर्टेंट डेज हो जाए, कौन सा, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। इसके अलावा 1 अक्टूबर को भाई साहब आपका इंटरनेशनल या वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है। और इंटरनेशनल अगर बात करें, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अगर बात करें शाकाहारी दिवस जिसको बोल देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस भी होता है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी होता है, 1 तारीख को आप लिख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी होता है, ठीक है। 2 अक्टूबर को जो है उसका, 2 अक्टूबर का पहला सोमवार जो है वो वर्ल्ड हैबिटेट डे भी होता है और वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे भी होता है। 2 अक्टूबर को आपको सबको पता होना चाहिए बेटा नॉन वायलेंस डे होता है, अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे। 3 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड नेचर डे, 4 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पशु कल्याण दिवस, 2 अक्टूबर को बेटा एक और होता है विश्व किसान, नहीं लिखेंगे सॉरी, फार्म्ड को, फार्म्ड बोलते खेत, विश्व खेत पशु दिवस, फार्म्ड एनिमल जो खेतों में काम आते हैं, फार्म्ड एनिमल, वर्ल्ड फार्म्ड एनिमल जो डे जो है
वो आपको 2 अक्टूबर को होता है, वो एनिमल डे जो होता है वो 4 अक्टूबर को होता है, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे होता है, और 5 सितंबर को आपको पता है लाडलू, 5 सितंबर को हमारे यहाँ पर होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है लाडलू, ठीक है। आदि गुड मॉर्निंग सर, मेरी भी आंख खुल गई, चलो आदि बढ़िया है भाई, आप भी जुड़ गए क्लास के साथ में। विवेक यादव सर, एप्लीकेशन में कोई काजल नहीं है, तो विवेक तुम्हें क्या करना है एप्लीकेशन में, काजल नहीं है, नहीं है वो दबंग बैच से, हरियाणा वाली बैच से, अब बताओ मुझे, बताया ना, फालतू के फार्म मत भरा करो यार। झांसी की रानी सर, आप हमारी गुड मॉर्निंग नहीं लिए, झांसी की रानी प्रणाम, माफी चाहूंगा देवी जी। विशाल तिवारी गुड मॉर्निंग, जितने भी सारे लोग जुड़ रहे हैं सब लोग गुड मॉर्निंग, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है, ठीक है। आगे 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस होता है, या मैंने आपको बताया भी था, दिमागी बीमारी होती है जिसमें दिमाग का विकास नहीं हो पाता, माइक्रोसॉफ्ट के जो सत्य नडेला है उनके बेटे को भी ये बीमारी थी, ठीक है। 6 अक्टूबर को जो आपका विश्व मुस्कान दिवस होता है 6 अक्टूबर को हम बनाते हैं, ठीक है। पहला शुक्रवार अगर बात करें ना, पहला शुक्रवार वर्ल्ड अक्टूबर का पहला शुक्रवार, ठीक है, अक्टूबर का पहला शुक्रवार जो है बनाया जाता है। 7 अक्टूबर को आपका विश्व कपास दिवस होता है, मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल जो है इसकी क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी। तो ये था आपका वन लाइनर जो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका, अब हम डिस्कस करेंगे आपका, क्या डिस्कस करने वाले, जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़े वन लाइनर के फॉर्मेट में, अब वो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में है। अगले 60 से 62 क्वेश्चन जो है आप लोगों के, मैं ये मान के चलता हूं आप धड़ाधड़ आंसर दोगे, ठीक है ना। आंसर दोगे कैसे, पहले का ए दूसरे का बी, ऐसे आंसर दोगे, ऐसा नहीं है कि ए ए ए, मुझे पता ही नहीं लगेगा कि पहला क्वेश्चन आप आंसर दे रहे हो दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तो प्लीज एक पैटर्न में फॉलो करके, एक एमसीक्यू टेस्ट की तरह, एक मॉक टेस्ट की तरह जो है आपको ये 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले क्वेश्चन नंबर फिर ऑप्शन, पहले क्वेश्चन नंबर फिर ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया कि सर क्वेश्चन नंबर वन, वन का मेरी साइड से आंसर है सर ए, तो ए बी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर होना चाहिए और देन उसके बाद क्या होना चाहिए उसका आंसर होना चाहिए, प्लीज ये आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। आरंभ है परसेंट जो है आप डिफेंस वॉरियर के साथ में जुड़ना ना भूलिएगा 17 अक्टूबर 9:45, ठीक है ना, तो आप आरंभ परसेंट इस इवेंट के साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी करें तो दबंग बैच में आप इनरोल कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे आपके कोर्सेज हो जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन, बतेरा भारत ने किसके साथ में संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरू की गई है, बताओ जरा। इसके सामने दो वर्ड थे वो मैं खा गया, मुझे भूख लगी थी, दक्षिण दक्षिण एशिया अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा, बताइए। तो इंडिया लॉन्च ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव विद हूं, बताइए जरा। आपका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका पहला क्वेश्चन है, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आदि बोला सर फर्स्ट का बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया आदि भाई, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, चलिए बिल्कुल सही, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शाबाश, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बेटा आपका अगला क्वेश्चन, ओमलिंगा फैशन शो किस स्थान पर दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो है वो पीछे छोड़ दिया है, बदेरा। तो ओमलिंगा फैशन शो जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंचाई पर फैशन शो हुआ है, ये ओमलिंगा फैशन शो आपको कहां पर देखने को मिलेगा। अगर आपको याद हो तो भारत की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड जो है वो ओमलिंगा पर ही है, बताइए जरा आपको ये कहां पर देखने को मिल जाएगा। सोम जोरी बोल रहा है कि सर दो का सी हो जाएगा, अच्छा जी ठीक है। पाकी बोल रही सर हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश। इसके अलावा सेकंड का सर सी आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया। महेश बोले सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेखा सैनी ने कहा कि सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ममता गोलू का बिल्कुल सही आंसर है, रेखा सैनी का बिल्कुल सही आंसर है,
बहुत बढ़िया शाबाश, आदि का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनको अभी लद्दाख आंसर है, आपका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। मैं भी देख लो ना यार, सबसे ऊंचा स्थान पे बोल रहा है कि जहां पर फैशन शो हो रहा है, सबसे ऊंचे स्थान के ऊपर, तो लद्दाख जो है वो सबसे ऊंचा स्थान इन चारों के अंदर। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। और मैंने बताया भी था, सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड भारत की, विश्व की सबसे ऊंची जो रोड हो जाएगी वो कौन सी है, वो उमलिंग ला है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से हाल ही किसने में नरवाल नाम से अपनी पहली घरेलू पनडुब्बी जो है वो विकसित की है। नरवाल बोल दीजिए या इसको क्या बोल देंगे, मैं यहां पर लिखवाना भूल गया बेटा, यहां पर आप इसको अपडेट कर सकते हैं। वैसे अभी अभी हाल आज की खबर में, आज की क्लास में मैंने पनडुब्बी एक ही देश की यूज की थी, बताओ जरा कौन सी थी, बताइए। नरवाल बोला गया, इसके अलावा और कौन सा बोला गया बताइए। शुभम जोहरी भाई, मैं पिछले 5 मिनट से देख रहा हूं, मत करा करो ऐसी हरकतें मेरी क्लास में प्लीज। इतनी बार बता रखा है मैंने, कमेंट बाजी के अंदर कोई दूसरे को तुम कमेंट कर रहे हो, कोई तो रहा तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई कर रहा, फिर तुम उसको रिप्लाई कर रहे हो, तुम वो तुम्हारा रिप्लाई कर रहा, मत करा करो प्लीज, मत करा करो भाई, मत करा करो, रिक्वेस्ट। बिल्कुल सही, ताइवान आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाए बेटा, ताइवान मैंने करवाया था, बिल्कुल सही, ताइवान। क्या नाम लिखवाया था वहां पर मैंने, ताइवान। इंग्लिश में जो है उसको जो है इंग्लिश भाषा में क्या बोला गया है, इसको नरवाल बोला गया है, इंग्लिश भाषा में नरवाल बोला गया है। और यहां पर हमने जब डिफेंस खबरें पढ़ी थी, याद रखना बेटा, डिफेंस की खबरें जब हमने पढ़ी थी तो वहां पर जो है इसका नाम जो था वो क्या था, वो अगर बात करें तो हाइकून, तो वहां की जो मैंड्रियन भाषा उसमें हाइकून है, यहां पर साथ में लिख लीजिए, इसको इंग्लिश में नरवाल कहा जाए, कौन सा नरवाल अगर बात करें। ठीक है, नरवाल। आगे बढ़ते, भारत के बाहर सबसे बड़ी अंबेडकर जी की जो प्रतिमा जो है उसका अनावरण किस देश में हुआ, बताइए। तो भारत के बाहर सबसे बड़ी अंबेडकर की जो प्रतिमा उसका कहां पर हुआ, बताइए बताइए। हाँ, हाइकुन बोल दीजिए, नरवाल बोल दीजिए, दोनों सही हो जाएगा, बताइए। भारत के बाहर जो है सबसे बड़ी अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण जो है वो किस देश में हुआ है, और देश में भी कौन सी जगह पर हुआ ये बता दीजिएगा मुझे आप सब लोग। इन विच कंट्री विल द लार्जेस्ट अंबेडकर स्टेच्यू टू बी अनवील्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इसको स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बोला गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे सर कितना, तो 19 फुट का हो जाएगा, ये आपको नहीं पता तो ठीक है ना, 19 फीट का है ये, मैरीलैंड में। कहां पर बेटा, याद रहा, मैरीलैंड में। मैरीलैंड आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, तो यूएस से देखने को मिल जाएगा। फोर्थ का आंसर क्या बोल रहे हो आप सब लोग, बिल्कुल सही, फोर्थ का बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया शाबाश, बिल्कुल सही, फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। जिसने मलेरिया की वैक्सीन को मंजूरी दी है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की सहायता से विकसित किया गया है, बताइएगा। Who has approved the second malaria vaccine? It has been developed by the University of Oxford with the help of which? बताइएगा, बताइए। हाल ही में अगर बात करें तो मलेरिया की सेकेंड वैक्सीन को जो है वो बेसिकली मंजूरी मिली है, बताइए। तो सेकेंड वैक्सीन जो है वो डेवलप बाई किसके द्वारा डेवलप की गई थी, बताइए। अप्रूव्ड द सेकेंड मलेरिया वैक्सीन, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड विद द हेल्प ऑफ, बताइए। शाबाश, बता दो। नहीं, गलत बता रहे, मैक्सिमम लोग गलत बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सीरम इंस्टीट्यूट हो जाएगा। मैंने बताया भी था आप लोगों को, मैंने बताया भी था आप लोगों को। अच्छा, इस मलेरिया का नाम क्या है, मलेरिया वैक्सीन का नाम बता दो, व्हाट इज द नेम ऑफ मलेरिया वैक्सीन, इस मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या हो जाएगा,
मलेरिया वैक्सीन, पहली मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या था और दूसरी का क्या नाम है, पता जरा, दोनों बताए थे मैंने, दोनों बताए थे। इसके अलावा बताया था मैंने घाना जो है उसने जो है मलेरिया वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया था बच्चों के लिए, मलेरिया वैक्सीन को क्या कर दिया था, अप्रूवल दे दिया गया था। ठीक है, बदीरा तो इसका हो जाएगा R21 मैट्रिक्स, ठीक है ना, याद है ना, R21 मैट्रिक्स अगर बात के आपको याद रखना है। सेकंड बताओ जरा, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, कोई बताओ, पहली मलेरिया वैक्सीन अगर याद हो तो, पहली मलेरिया वैक्सीन का नाम याद हो तो R21 तो इसका हो जाएगा, दूसरी वाली का, पहली वाली का क्या था याद है ना, RTS था, पहली वाली का क्या नाम था, RTS था, बताया भी था मैंने आपको याद हो तो, R सॉरी 2 क्यों लिख रहा हूं, RTS था बेटा, क्या नाम था, RTS। इसको अगर बात करें, इसको अगर बात के RTS को जो है वो RTS SAS01 बोला गया था RTS, और दूसरी वाली का RT, सॉरी दूसरी वाली का अगर बात करें तो नाम क्या हो जाएगा, R21 हो जाएगा, ये R21 कर लीजिए बेटा, तो R21 दूसरी मलेरिया जो वैक्सीन हो जाएगी R21, और पहली वाली का नाम है RTS। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने, जल्दी से मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने, मालदीव के, इतना बताए भैया, थर्मन संगरूत्रम जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो सिंगापुर के हो जाएंगे, सिंगापुर के हो जाएंगे। श्रेष्ठा अगर बात करें, थाविसीन अगर बात करें तो ये कहां के हो जाएंगे, थाईलैंड के, ये कहां हो जाएंगे, थाईलैंड के। याद रखना डॉक्टर मोहम्मद मोइजुक जो है, डॉक्टर मोहम्मद मोइजुक जो है वो मालदीव की अगर बात करें तो राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजुक। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है, बिल्कुल सही, नहीं शुभम भाई ए ऑप्शन गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में जो है वो मालदीव की अगर बात करें तो राष्ट्रपति कौन बने हैं, नहीं बोला कि सर ऑप्शन नंबर ए भी रह गया उसके बारे में बता दो, ये जिम्बाब्वे के हो जाएंगे, ठीक है ना, जिम्बाब्वे पूछ लिया करो भाई, ये जिम्बाब्वे के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषा महोत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया, बताइए, अभी भी बताया था मैंने भारतीय भाषा महोत्सव, देखो दो अलग अलग चीजें बताई थी मैंने, भारतीय भाषा महोत्सव टेक्नोलॉजी समिट पूछा जाए तो समिट कहां पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, पर क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िए, भारतीय भाषा महोत्सव मैंने क्या बताया था 75 डेज का, कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ था, मैंने क्या लिखवाया था, कहां से स्टार्ट हुआ था, लखनऊ से स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ बेटा, लखनऊ से स्टार्ट आपका हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए, बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य किस जिले में स्थापित किया जाएगा, ये तो बिल्कुल आसान है, बता दीजिए, बिहार का जो है वो दूसरा टाइगर रिजर्व जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा, शाबाश, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व आपको कहां पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन बोल रहे सारे सारे, कहां हो जाएगा सर, कैमूर के अंदर हो जाएगा, कहां पर बेटा, कैमूर के अंदर हो जाएगा, बिल्कुल
बिल्कुल सही, कैमूर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते फटाफट, बताइए सितंबर 2023 में किस राज्य ने 100% गांव को जो है वो ODF प्लस का दर्जा मिल गया। 100% ODF प्लस कौन से गांव था बताइए, कौन सा राज्य था जिसने 100% जो है वो ODF, अगर बात करें तो ODF प्लस जो है स्टेटस हासिल कर लिया था। फिर से वही आने देने लगे ना ए, अरे भाई पहले क्वेश्चन नंबर और फिर आंसर दिया करो प्लीज, क्वेश्चन नंबर और फिर आंसर। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा नौवे का जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है बेटा आगे बात करते, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला गया, ठीक है रितेश यादव पूछ रहा कि सर जो अंबेडकर की मूर्ति जो 19 फुट की लगी है USA में उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा बेटा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है चलिए, इंडो लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है, जल्दी से बताइए ना ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कहां पर आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली में, तो फोर्थ इंडो लैटिन, तो दसवें का क्या हो जाएगा, दसवें का आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका महोत्सव हुआ। ठीक है आगे बढ़ते निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, एक तारीख एक घंटा एक साथ अभियान के साथ मनाई गई महात्मा गांधी की 124वीं जयंती, एक तारीख एक घंटा एक साथ अभियान एक मेगा स्वच्छता अभियान है बधेरा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका क्या आ जाएगा सही आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोनों सही हो जाएंगे, हमने हाल ही में जो है वो महात्मा गांधी की कौन सी जयंती बनाई बेटा, तो याद आना 154वीं जयंती बनाई है, एक तारीख एक घंटा एक साथ जो है वो अभियान चलाया गया था और ये अभियान जो स्वच्छता अभियान है, तो दोनों क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, बोथ वन और टू क्या हो जाएगा बेटा आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में हुआ, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक पति सवाल जल्दी बताइएगा, ये देखो कुछ क्वेश्चन मैं वो वाले लेकर आया हूँ जो बेसिकली अगर बात की क्लास में मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है ना, क्लास में जो आपकी जो क्लास होती है सुबह 6 बजे उसके अंदर भी MCQs करवाए गए, वन लाइनर में हो सकता है एक आधे क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाते हैं, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 12वें का, क्या बात है गोलू कुमार का सबसे सही आंसर आएगा सर 12वें का सी हो जाए, 12वें का जो है, अरे रनीश भाई ये क्लास हर एग्जाम के लिए, ठीक है ना मत आया करो यार ऐसे पूछने के लिए प्लीज भाई, बिल्कुल सही 12वें क्या हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा, कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके लिए क्लास में मत पूछा करो भाई, एयरफोर्स के लिए एनडी के लिए, ठीक है एक क्लास में 20 बच्चे ऐसे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध पश्मीना को GI टैग मिला है, प्रसिद्ध जो है वो पश्मीना अगर बात करें उसको जो है क्या मिला है GI टैग मिला है पश्मीना, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, इसको बस होली पेंटिंग के साथ में जो है ना आप याद रख लीजिएगा बस होली पश्मीना कहा जाता है, तो बस होली की पश्मीना को भी मिला है और बस होली की पेंटिंग को भी मिला है, तो ये कहां पर हो जाएगा बेटा, तो याद रखना कहां हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपना पशु सौधा गृह स्थापित करेगा, ये थोड़ा सा जो है आपको सबसे अलग जो है आपको देखने को मिल जाएगा, विच सिटी इन द उत्तर प्रदेश इज गोइंग टू सेट अप द फर्स्ट एनिमल क्रीमेटोरियम, बताइए आपको ये कहां पर देखने को मिल जाए, तो पशुओं के लिए जो है वो सवधा अगर बात के वैसे तो पशुओं को आज मतलब पहले तो गड्ढा खोद कर वो दबा दिया जाता था, तो पशु सवधा जो है ग्रह स्थापित होगा कहां पर बेटा, याद है ना लखनऊ के अंदर स्थापित होगा, कहां पर लखनऊ के अंदर स्थापित होगा। ठीक है पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि 10 मीटर में भी 10 मीटर में भी हमने जीता था और आपका 50 मीटर में भी हमने जीता, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इंडिया हो जाएगा, इंडिया क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 15 का बी क्या हो जाएगा, 15 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए बताइए भारतीय टेनिस जोड़ी रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने जो है वो होंगजू के अंदर 19वें एशिया गेम में
टेनिस मिश्रित युगल में कौन सा पदक जीता है? तो टेनिस मिश्रित युगल में मैंने आपको बताया था, ये आपका अगर बात करें तो हमने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ये तो बिल्कुल आसान से है क्योंकि ऑप्शन मैंने ऐसे रख रखे, पर आपको याद रखना है रोहन बोपन्ना मेल हो जाएंगे और ऋतुजा भोसले फीमेल हो जाएंगी, तभी ये आपका मिक्स डबल। तो टेनिस मिक्स डबल के अंदर भारत को मेडल मिला है, कौन सा गोल्ड मेडल मिला। ठीक है लाडलो, आगे बात करते हैं। काठमांडू में आयोजित सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में जो है वो कौन विजेता रहा? बतीरा, जो सैफ अंडर 19 जो आपकी हुई बेटा फुटबॉल चैंपियनशिप जो काठमांडू के दशरथ रंग अगर बात करें तो स्टेडियम में हुई थी, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 का। तो किसने जीत लिया? बिल्कुल सही, किसने जीता भैया? इंडिया ने जीते। किसने जीता? इंडिया ने जीता। ठीक है, अगला बताइए भाई, एशियाई खेलों में पहला पदक जीतने वाली भारत की पहली गोल्फर कौन बन गई है? अभी अभी डिस्कस किया था मैंने, बताइए रहा फर्स्ट फीमेल गोल्फर टू विन ए मेडल एट 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम। तो कौन सा पदक जीता था याद रखना जरा, तो इन्होंने जीता था, मैंने बताया था इन्होंने कौन सा पदक जीता था बेटा, सिल्वर मेडल जीता था, है ना, याद है ना, सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक जीता इन्होंने, सिल्वर जीता। नाम बताइए क्या हो जाएगा, नाम बताइए क्या हो जाएगा। शुभम जोहरी बहुत बढ़िया, शाबाश। 18 का आंसर बताइए, 18 का, 18 का, अभी तो शुभम का सही आंसर आया है। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया मनीषा, रितेश, शाबाश, इनोसेंट गर्ल का भी बिल्कुल सही आंसर है। खतरनाक नाम नाम है पटाखा सर, मेरा कल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम था, आपकी क्लास का क्लास से 12 क्वेश्चन आए थे। थैंक यू सो मच, जो भी पटाखा सर या मैम है धन्यवाद भाई। हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है शायद इतने ही करंट अफेयर के, शायद इतने ही क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे, शायद इतने ही क्वेश्चन थे शायद, पटाखा करके कितने करंट अफेयर क्वेश्चन थे बताना बेटा। दिवाली आने वाले है सर, ऐसे नाम जेन्युइन है। बिल्कुल, चलो तो अदिति अशोक जो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अदिति अशोक। चलो आगे बात करते हैं, ईरानी कप में शेष भारत ने किस टीम को हराकर चैंपियनशिप बन बताओ। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया, आपको पता होगा मैंने बताया था ईरानी ट्रॉफी किसने जीती, तो ईरानी ट्रॉफी जीती है किसने, शेष भारत ने जीती है। तो शेष भारत ने जो है वो ईरानी ट्रॉफी में किसको हराकर, तो याद रखना बेटा किसको हराकर, सौराष्ट्र को हराकर। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलवा देता हूँ, किसको हराकर बेटा, सौराष्ट्र को हराकर अगर बात करें तो इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, काजल मेघवाल को शौक लगा है कि 12 क्वेश्चन आ गए। काजल मैडम जलवा है, ठीक है ना, ऐसे नहीं है। चलो मैं इस लहजे में बात बात तो नहीं करता, चलो ठीक है कोई ना। चलिए 100% तक आते हैं मैडम, बस क्लास लगातार बेसिस के ऊपर आप ले दो। हाँ, तो भारतीय इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई, जल्दी से बताओ जरा। बताइए भाला फेंक में स्वर्ण पदक बताया था मैंने, भाला फेंक में सही आंसर बताइए। ठीक है, ऋतिक रोशन, ये क्लास डेली 6 बजे होती है भाई, सुबह 6 बजे। भारतीय इतिहास के, सॉरी एशियाई खेलों के इतिहास में पहली भारतीय महिला जिन्होंने जो है बेसिकली एथलीट बन गई, तो कितना मैंने आपको बताया भी था, 62.92 मीटर के साथ में जो है वो अन्नू रानी जो है वो अगर बात करें तो जेवलिन थ्रो में जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं, आपको अगला क्वेश्चन। 2030 विश्व कप कितने महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा बदीरा? 2030 वर्ल्ड कप जो है वो कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा बदीर? 2030 का जो वर्ल्ड कप है वो कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा बदीरा? पहली बात तो देखो 2030 में कोई वर्ल्ड कप ऐसा है नहीं, क्रिकेट का तो नहीं है, कम से कम याद रखना जरा, हम बात कर रहे हैं फीफा का, याद रखना। पहली बात हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, और फीफा वर्ल्ड कप अगर बात करें
ठीक है ना, फीफा वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का तो कहां पर होगा, 2026 का तो आपको पता होगा यूएसए में होने वाला है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, और मैक्सिको अरे यार लिखा जा भाई मैक्सिको, ठीक है। तो ये यहां पर तीन, ये तीन देश है, ये तीन महाद्वीपों में होगा, तीन महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा, याद रखना। अभी 2030 वाले का अभी बोला गया है, 2030 का मैं बता देता हूँ, अभी 2030 का जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि सर 2030 का जो होगा वो बेसिकली मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा, मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन की जो है वो भागीदारी है, अभी तक अलाउ नहीं हुआ है इनकी साइड से। अगर बात करें तो एक बात तक जो देश है जिन्होंने इनको अप्लाई किया है, तो इसके लिए अप्लाई किया गया है, अभी इसको इनको जो है फाइनल जो है ना दिया नहीं गया। तो तीन महाद्वीप में आयोजित होगा, याद रखना। चलो बता दो, पेट 46 जो हाल ही में चर्चा में था, क्या थोड़े से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए पूरी क्लास में रहना जरूरी होता है। मैं जानबूझ के कसम से बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ये आधे क्वेश्चन वनलाइनर के फॉर्मेट में होते हैं जो हमने हमने अभी पढ़ा है, और कुछ ऐसे 10-12 क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो वनलाइनर से मैं हटा के यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में डालता हूँ, ताकि एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है पटाखा। मैं आपकी क्लास मॉर्निंग में और रिपीट लाइब्रेरी में सुनती हूँ, तो इजी लगा एग्जाम देकर, थैंक यू सो मच सर, एग्जाम मस्त हुआ। थैंक यू सो मच मैम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, और माता रानी आपके ऊपर कृपा बना रखे, जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए बधेरा, चलिए किसी को पता है, देखो कंप्यूटर वायरस नहीं, याद रखना बेटा, एंजाइम्स हो जाएंगे, ये एंजाइम्स हैं, याद रखना था, तो पीईटी याद रखना बेटा, PET46 जो है ये क्या हो जाएंगे, याद रखना पहली बात तो, ये क्या हो जाएंगे सर, एंजाइम है, ये क्या है बेटा, याद रखना एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, याद रखना बेटा, कहाँ पाए जाते हैं, गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में ये पाए जाते हैं, गहरे समुद्र में जो है ये पाए जाते हैं, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, और ये प्लास्टिक को ब्रेक करने में, प्लास्टिक जो होता है ना उसको तोड़ने में सक्षम है, प्लास्टिक तोड़ने में सक्षम है, याद रखना बेटा, ये प्लास्टिक तोड़ने में सक्षम है, हाल ही में याद रखना, PET46 जो है याद रखना, और ये कील यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया था, मैं बोल सकता हूँ कील यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ यहाँ पर, कील यूनिवर्सिटी या कील विश्वविद्यालय लिख दीजिए, कील विश्वविद्यालय जो है आपको याद रखना है कहाँ का, ये जर्मनी का हो जाएगा, लाड लो कहाँ का हो जाएगा, जर्मनी का, ठीक है। तो PET46 जो है आपको क्या हो जाएगा, एंजाइम, अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली प्लास्टिक बोतलों में पाए जाने वाले पीटी प्लास्टिक को तोड़ने में सक्षम है, याद रखना था बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, एमएस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया, आपको अच्छे से पता है स्वामीनाथन जी के बारे में हमने डिस्कस किया था पूरा डिटेल के अंदर, तो बेसिकली अगर बात करें तो वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो एमएस स्वामीनाथन जी का निधन हो गया तो वो किस क्षेत्र से जुड़े थे बेटा, एग्रीकल्चर से जुड़े थे ना, सबको पता है किससे जुड़े थे, हरित क्रांति से, हरित क्रांति, तो भारत के हरित क्रांति के जनक, क्रांति में अगर बात करें तो विश्व के जो है वो जनक हो जाएंगे, वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नॉर्मन, नॉर्मन बारलो, बारले एक बोल दीजिए, नॉर्मन बारले, और भारत के जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे बेटा, एम एस स्वामीनाथन। अगर आपको याद हो तो हाल ही में नॉर्मन बारलो बारले जो अवार्ड जो है वो किनको मिला है, वो मिला स्वाति नायक को, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, स्वाति नायक जो है उनको नॉर्मन बोरले अवार्ड मिला। आगे बढ़ते हैं, सीबीडीटी के अध्यक्ष का नाम बताइए, तो बताया था मैंने अभी, सीबीडीटी के अध्यक्ष जो है, एक सर ने पूछा था, एक बच्चे ने पूछा था कि सर सीबीडीटी होता क्या है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स आपका सीबीडीटी जो है, ठीक है, तो आपको याद है सीबीडीटी के जो उसका अध्यक्ष का जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो कौन हो जाएंगे बेटा, नितिन गुप्ता हो जाएंगे, नितिन गुप्ता हो जाएंगे सीबीडीटी के, सीबीडीटी के नितिन गुप्ता, और अगर मैं बात करूं सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी के, इसके जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, उसके हो जाएंगे संजय अग्रवाल, कौन हो जाएंगे, संजय अग्रवाल आपके हो जाएंगे, संजय अग्रवाल। अमित अग्रवाल आपको पता होगा, अमित अग्रवाल, अमित अभी डिस्कस किया था, अमित अग्रवाल
अमित अग्रवाल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, किसके? अमित अग्रवाल देखने को मिलेंगे आधार के, UIDAI के, ठीक है ना। और अगर भाई साहब नितिन अग्रवाल की बात करूं मैं, नितिन अग्रवाल जो है अभी हाल ही में किसके थे? नितिन अग्रवाल अगर आपको याद हो तो BSF के, नितिन अग्रवाल BSF के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बधेरा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? पीटीआई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? पीटीआई के अध्यक्ष, तो मैंने बताया था प्रेस आजकल शांत तो रहती नहीं है, तो KN शांता कुमार, याद को याद ना, KN शांता कुमार जो है आजकल वाले प्रेस वाले, प्रेस मतलब मीडिया वाले कितने खतरनाक होते हैं ना, मतलब भाई साहब इतने खतरनाक डिबेट करवाते हैं, आपस में लड़वा देते हैं, ठीक है। चलिए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा संजय अग्रवाल, ठीक है। अमित अग्रवाल जो है वो UID के हो जाएंगे, याद रखना बेटा, ठीक है। चल आगे बढ़ते, आपको अगला क्वेश्चन जरा देखते क्या कहना चाह रहा है। PRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, PRO जो है, पता है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? PRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं PRO के? तो PRO के 28वें महानिदेशक कौन बन जाएंगे? रघु श्रीनिवासन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जो है, रघु श्रीनिवासन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी आधे क्वेश्चन अभी हुए हैं, ये देखो अभी आ ही गया, ठीक है ना। क्या हमने डिस्कस किया था UIDAI के, हमने डिस्कस किया था अभी, तो आधार के जो है वो कौन हो जाएंगे बेटा? तो आधार के हमने बताया था, अभी डिस्कस किया था, कौन थे आपके? अमित अग्रवाल जो है वो आधार के, जिनका एक साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। वैश्विक राजदूत, क्रिकेट वर्ल्ड कप का वैश्विक राजदूत, तो वैश्विक राजदूत अगर बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप का, देखो वैसे तो बेसिकली एम्बेसडर, तो एम्बेसडर अगर देखो वो आपके साथ है ना, वो आपके साथ खेलता है एग्जामिनर, वो एम्बेसडर लिख देगा, ग्लोबल एम्बेसडर लिख देगा, याद रखना बेटा। एम्बेसडर की बात करें, अकेले एम्बेसडर की बात होगी तो शाहरुख खान हो जाएगा, बट हम यहां देख रहे हैं कि क्या लिखा है सर, ग्लोबल एम्बेसडर लिखा है, ग्लोबल एम्बेसडर, तो ग्लोबल एम्बेसडर लिखा है तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, याद रख, फिर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, याद रख लाडलो, ठीक है। अगला, अफगानिस्तान टीम के जो है वो मेंटर अगर बात की तो नियुक्त किए गए, ठीक है ना। आखिरकार नवीन उलोक ने माफी मांगी ली, ठीक है ना। और कमाल की बात, उस टाइम पे कमेंट्री भी जो है ना वो गंभीर कर रहे थे, चलो यही प्रकृति का जो है वो सारी की सारी चीजें होती है भाई। तो याद रखना बेटा कौन हो जाए, तो अजय जडेजा, तो अजय जडेजा जो है वो बेसिकली अफगानिस्तान टीम के मेंटर जो है वो नियुक्त किए गए, तो मेंटर नियुक्त किए गए कौन? अजय जडेजा अफगानिस्तान टीम के, ठीक है, ओके। थोड़ा सा ये पुराना हो जाएगा बट कोई ना, हम एडजस्ट कर लेंगे। क्या बोला जा रहा है कि इंपोर्टेंट एज के बारे में बताया जा रहा है कि सर हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम हर साल 29 सितंबर को विश्व हार्ट डे बनाते हैं, बिल्कुल सही, चलो ठीक है। इसके अलावा विश्व हृदय दिल की इस्तेमाल थी, दिल का इस्तेमाल करें दिल को जाने, बताइए क्या सही आंसर है? दोनों क्या हो जाएंगे ये सर? दोनों क्या है? सही आंसर, दोनों क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। तो आपको याद रखना है 29 को हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड हार्ट डे, और द थीम हो जाएगी यूज हार्ट नो हार्ट, ठीक है ना, यूज हार्ट और नो हार्ट, ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे, शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटा, बधेरा किस स्तर का, ओके चलो ये तो बिल्कुल आसान, अभी भी डिस्कस किया था मैंने, आपको दोबारा से याद भी दिलवाया था। सरकार ने महाकवि चित्रा स्वामी सुब्रमण्यम भारती की जयंती को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया है, बताइए किस दिन जो है हम भारतीय भाषा दिवस मनाएंगे? शाबाश, बताइए बेटा। मोहित सर नहीं आ रहा है, बता दीजिए मोहित क्या हो गया बेटा, बताओ जरा, आपका कमेंट मैंने अभी पढ़ा, एक बार फिर से बोल दीजिए एक बार। सर ये ऑप्शन देकर वरुण सर याद आ गए, क्या कहना चाह रहे हो भाई, क्या ही कह रहे हो मोहित, बताओ जरा क्या पूछना चाह रहे हो? कविता गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, पर टाइम से आ जाए करो जरा। शिव भाई पढ़ ले आराम से, पढ़ ले। वसीम खान पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, ठीक है ना। 11 दिसंबर, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर हो जाएगा। हरियाणा वाले चैनल के ऊपर कुछ महानुभाव जो है वो आपस में बात करने में लगे हुए हैं, या तो कृपया करके वो क्लास छोड़ के चले जाए या आंसर देना स्टार्ट कर दे, ठीक है, और दोबारा मैं बोलूंगा नहीं, मैं सीधा डायरेक्ट ब्लॉक करूंगा। फिर उसके बाद में जो क्लास, बड़े महान, मतलब पता नहीं यार
कहां से तुम लोग आते हो यार? जैसे कल का मेरा इवेंट बना होगा ना सुबह 6 बजे वाली क्लास में, तो उसमें ही चैट बॉक्स में लगे रहते हैं, हाय हेलो ये और वो फलान। कभी कभी मैं सेशन को शेयर करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप करने के लिए उसका लिंक कॉपी करता हूं, तो मैं देखता रहता हूं रात के 12 बजे भी भाई साहब लगे रहते हैं। क्या मिल जाता है तुम लोगों को यार? इतना टाइम है क्या तुम लोगों के पास? थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। अभी पढ़ लो, बता दे रहा हूं। वो एक बहुत बढ़िया एक सीरीज आपकी आ रखी है एसएससी की, अमित भड़ाना की, उसमें एक बढ़िया लाइन थी, ये टाइम तुम्हारी यारी का नहीं तैयारी का होना चाहिए। बेटा जी ऐसा है, लग जाओगे कहीं, चिप जाओगे, नौकरी लग जाएगी ना, तो चैटबाजी चैटिंग आराम से कर लेना। पर भगवान कसम बोल रहा हूं, अगर नहीं लगी ना नौकरी, अगर नहीं लगी ना, मैं बता देना चाह रहा हूं, ना तो तुम्हारे पास रिचार्ज के पैसे होंगे, और रिचार्ज के अगर पैसे होंगे भी ना, नेट के रिचार्ज के पैसे होंगे भी, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि तुम दाढ़ी मजदूरी कर रहे होगे कहीं ना कहीं, इतना मुझे पता है। नौकरी वैसे ही नहीं है देश में। और हां सर, कि हमें तो सर वो 5,000, 10,000, 15,000 वाली नौकरी चाहिए, ठीक है, जिसमें बैठ के किसी का अगर बात करें तो वो तो 15,000 में बेटा तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला है फिर, ना तुम्हारा खुद का घर बसेगा ना किसी और का तुम बस बने दो। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव अपनाया था, तो प्रस्ताव अपनाया गया था 5 जून 2007 को। क्या ये सही है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देसी बालक दवेश भाई, अगर एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो आप दूसरा एक कोई गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स वगैरह दूसरा डाउनलोड कर लो, या फिर आपके पास हेल्पलाइन नंबर होगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिए राइट पर, यही हो सकता है बेटा, और तो मैं क्या ही बताऊं। बताइए ओनली ए? नहीं बेटा, दोनों सही हो जाएगी। जानबूझकर मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि ये हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा एक हाई लेवल क्वेश्चन पूछ ले। बिल्कुल 5 जून 2007 को। अब ये मैं सोच रहा कि सर 2 अक्टूबर को बनाया जाता है, तो कोई बहुत सारे लोग बोल रहे सर दूसरा ऑप्शन, तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। 5 जून को जो है 2007 को अपनाया गया था, प्रस्ताव को अपनाया गया था, याद रखना। और ये प्रस्ताव जो है वो ईरान के नोबेल पुरस्कार विजेता, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये अगर बात करें तो किसके द्वारा? शिरीन एबादी के द्वारा, शिरीन एबादी के द्वारा ये प्रस्ताव जो है दिया गया था। शिरीन एबादी ये ईरानी हो जाएंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता है ईरानी शिरीन एबादी। इन्होंने जो है वो बेसिकली अगर बात की इसके प्रस्ताव की बात की थी 2004 में पहली बार बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रकृति दिवस हम हर साल 3 तारीख को मनाते हैं, ठीक है, 3 अक्टूबर को मनाते हैं। 2010 से जो है विश्व प्रकृति दिवस की स्थापना जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 33, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा। आवाज ट्राई कीजिए, बहुत आपका सही आंसर हो जाता, बहुत आपका सही आंसर पहला भी सही है, दूसरा भी आपका सही आंसर हो जाता बेटा, दूसरा भी सही आंसर हो जाता अगर अगर संयुक्त राष्ट्र की जगह मैं लिखता वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व प्रकृति संघ, ठीक है ना, संघ या संगठन, क्योंकि भैया मेरी ये क्लास जो है वो थोड़ा से जो लोग जो है ना वो CDS और NDA और FKT वाले भी थोड़े से इस क्लास को लेते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल मैंने एक दो क्वेश्चन का हाई कर रखा है, ठीक है, क्योंकि वो वहां पर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है
स्टेट पीसेस वगैरह में भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं यहीं पर खेल सकता हूँ, इन्हीं क्वेश्चन में खेल सकता हूँ, क्योंकि बाकी तो सारे सीधे सीधे वन लाइनर की फॉर्मेट में आपके आते हैं। ठीक है, तो याद रहना बेटा ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। याद रहना हर दिन जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा नहीं डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, जरा इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है कि सर 1994 में यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे डिक्लेयर किया था। वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम हो जाएगी टीचर्स नीड फॉर द एजुकेशन, वी नीड, ऐसे अध्यापक चाहिए जिनकी हमें जरूरत है, शिक्षकों की कमी जो है वो दूर करनी चाहिए हमें। ठीक है, तो बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 34 का। शाबाश, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। शाबाश, हाँ बहुत हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे, बिल्कुल दोनों हो जाएंगे, याद रखना बेटा दोनों हो जाएंगे आपके सही आंसर, यूनेस्को के द्वारा। और इसमें याद है ना बेटा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का भी हाथ में था, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ का भी हाथ में, याद रखना। ठीक है ना, दोनों का इसमें हाथ था, याद रखना जरा इसको बनाने के लिए, दोनों आपका सही आंसर हो जाएंगे। चलो भाई मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ जल्दी जल्दी से। बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है, बताइए ना, बायो एशिया, तो 35वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर आपका आयोजित किया जा रहा है, तो 35वां बायो शिखर सम्मेलन बताइए फटाफट। तो ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है बेटा, हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अगला, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किनको मिला था, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किनको मिला, तो सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला, याद रखना, रुकियांग झांग को मिला था, अभी बताया था मैंने, झांग को क्या मिला था, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला था। बुसान फिल्म महोत्सव में स्कूप के लिए नामांकित किया गया, स्कूप एट द बुसान, ये छोड़ दीजिए बेसिकली, ऐसा तो वैसे मतलब कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। ठीक है ना, ये बेसिकली मूवी अगर बात करें तो बुसान फिल्म महोत्सव ऑब्वियसली स्कूप, तो ये बेसिकली अगर बात करें तो ये आपकी ये हो जाएगी मूवी, किसकी करिश्मा तन्ना की हो जाएगी, याद रखना। अगला, कैटलिन, तो कैट ने ड्यू पी ली थी भाई, कैट ने क्या पी ली थी, ड्यू पी ली थी, तो उसको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ी थी। ठीक है ना, तो मेडिसिन के लिए जो है वो आपका mRNA, मैंने बताया था मैसेंजर RNA के लिए जो है वो बेसिकली आपका जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 2023 के लिए कितने वैज्ञानिकों को जो है संयुक्त रूप से भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था, तो तीन लोगों को फिजिक्स में जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, होंगजो खेलों में तेजिंदर सिंह तूर ने जो है स्वर्ण पदक जीता, किस में जीता बेटा, शॉटपुट में जीता, शॉटपुट में जीता। ठीक है, एशिया गेम में किस भारतीय मूल ने 49 वर्षों के बाद में सिंगापुर को पहला एथलेटिक, तो सिंगापुर को मैंने बताया था शांति प्रेरा, अगर आपको याद हो तो सिंगापुर के शांति प्रेरा ने 49 साल के बाद सिंगापुर को एथलेटिक में गोल्ड मेडल दिलवाया। मोंगी बॉबंडी लुइस ब्रूस और एलेक्सी इकिमोव, ठीक है, तो मैंने बताया भी था कि एलेक्सी जो है, एलेक्सी ने जो है वो बेसिकली अगर बात करें ब्रूस मांगी है ना, मोंगी से मांगी हो जाएगा, ब्रूस से ब्रूस हो जाएगा, ब्रूस और एलेक्सी ने, तो एलेक्सी ने ब्रूस मांगी किसके लिए, केमिकल साफ करने के लिए, किसके लिए, केमिकल साफ करने के लिए, मतलब रसायन विज्ञान में अगर बात करें तो केमिकल साफ करने के लिए, कौन से वाले केमिकल को साफ करने के लिए जो है वो आपके एलेक्सी ने जो है आपसे ब्रूस मांगी थी, बताइएगा आपको जो सही आंसर हो जाएगा सर, ये बेसिकली अगर बात करें तो हो जाएगा डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, तो क्वांटम डॉट्स अगर बात करें, ठीक है ना, तो डॉट्स को साफ करने के लिए, क्वांटम डॉट्स को साफ करने के लिए लेक्सी ने ब्रूस मांगी, ब्रूस मांगी, आपको याद होना चाहिए वाली ट्रिक। ठीक है, कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड किनको मिला, तो सुधा मूर्ति को मिला, याद रखिए बेटा सुधा मूर्ति को मिला। रॉयल स्विस अकेडमी 5 अक्टूबर को घोषणा की कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला बेटा जॉन फोसे, जॉन फोसे कहां के हो जाएंगे, नॉर्वे के हो जाएंगे, नॉर्वे के हो जाएंगे बेटा। ठीक है, जॉन फोसे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग कितने नंबर पर रही, तो ग्लोबल इनोवेशन में रही 40th नंबर पर, और स्विट्जरलैंड जो है बेटा क्या रहा आपका, टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। ठीक है, हाल ही में डेवलपमेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा वर्ल्ड टैलेंट के अनुसार जो है भारत की रैंकिंग क्या रही, वर्ल्ड टैलेंट में जो है भारत की रैंकिंग जो रही है वो कौन से नंबर पर रही है बेटा वर्ल्ड टैलेंट के अंदर, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा वर्ल्ड टैलेंट में,
वर्ल्ड टैलेंट में कितना हो जाएगा बताओ, शाबाश, वर्ल्ड टैलेंट की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड टैलेंट कितने हो जाएगी बेटा, 56 हो जाएगी, 56 हो जाएगी। टॉप पर फिर से कौन रहा है, स्विट्जरलैंड फिर से टॉप पर रहा बेटा, स्विट्जरलैंड जो है इस रैंकिंग में भी क्या रहा है, इस रैंकिंग में भी आपका टॉप पर रहा है, इनोवेशन में भी रहा और इसमें भी रहा। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहां पर हुआ था, मैंने बताया था इंदौर में हुआ था, इंदौर में हुआ था। पहला शहर जो है टॉप पर रहा वो कौन सा रहा था, तो मैंने बताया था पहला पहला शहर इंदौर रहा था, दूसरे पे सूरत रहा था, तीसरे पे आगरा रहा था, मध्य प्रदेश राज्य में पहले नंबर पर रहा, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहा, और राजस्थान और यूपी तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने अपने जाति आधारित सर्वे, तो जाति आधारित सर्वे कहां पर हुआ था बेटा, कास्ट सेंसस भारत में पहली बार कहां पर हुआ था, याद ना, बिहार के अंदर हुआ था। ठीक है, मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, जो अभी हाल ही में मोबाइल स्पीड रैंकिंग आई है उसमें भारत का स्थान जो है वो क्या रहा है, जल्दी से बताइए। सॉरी बताइए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, कितने नंबर पर, 47 नंबर पर रहा, याद रखना। टॉप पर इसमें यूएई रहा था, यूएई जो है इसमें क्या रहा था, टॉप पर रहा था, भारत की रैंकिंग 47 नंबर पर रही। किस राज्य ने देश में पहले 3 पॉलिथीन कचरा बैंक स्थापित किए, तो देश के पहले 3 पॉलिथीन कचरा बैंक जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, देश के पहले पॉलिथीन कचरा बैंक कहां पर, याद आना बेटा कहां पर बेटा, उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के अंदर 3 पॉलिथीन कचरा बैंक स्थापित किए गए हैं। लड़कों और लड़कियों के बीच में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए क्रियो फॉर गुड जो है ये स्टार्ट किया गया था, ये धर्मेंद्र प्रधान, और ये वो वाली वीडियो है जिसमें आपके अमित शाह जो के बेटे, माननीय अमित शाह के बेटे, माननीय जय शाह जो है वो एक कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड बोलते हुए जो है स्मृति मंदना को बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम में। ठीक है, तो वो वाला वीडियो, वो वाला रील अगर आपके सामने आ रखी है, तो वो वाला इसी के इवेंट का जो है वो वीडियो था, याद रखना रहा, क्रिक फॉर गुड जो है। ठीक है, किस स्थान पर 1 महीने तक चलने वाला हर घर सोलर अभियान शुरू हुआ बतेरा, तो हर घर सोलर अभियान किसका हो जाएगा, तो पहली बात तो याद रहे सर, हर घर सोलर अभियान जो है वो बेसिकली हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का, और ये स्टार्ट हुआ बेटा आपका लखनऊ और वाराणसी। तो हर घर सोलर अभियान किसका हो जाएगा, याद रखना, किस सरकार का हो जाएगा सर, उत्तर प्रदेश सरकार का हो जाएगा। 757 हो गया, अगले वाला कोई मास्टर आके धमक गया ना, तो इतनी बड़ी फाइल है 10 मिनट तो उसको सेव होने में लगती है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना बेटा याद रखना छत्तीसगढ़ के द्वारा, रुक जा भाई, छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरुआत की गई है, छत्तीसगढ़ के द्वारा। किस स्थान पर एफएम रिले स्टेशन का, तो मैंने बताया था, ठीक है, तो दाहोद जगह हो जाएगी, दाहोद जगह। 5G एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है बतेरा, किस स्थान पर 5G एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया गया जी किशन रेड्डी ने, तो ये गुवाहाटी हो जाएगा बेटा, कहा जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, संकल्प सप्ताह की शुरुआत किसने की, तो नरेंद्र मोदी ने की, 3 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में जो है आपका बनाया जाएगा, तो 3 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में संकल्प सप्ताह आपका बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वायु प्रदूषण के खिलाफ शीतकालीन योजना ग्रीन वॉर रूम, है ना, ग्रीन वॉर रूम जो है क्या नाम हो जाएगा, उस शीतकालीन परियोजना का नाम क्या हो जाएगा, ग्रीन वॉर रूम हो जाएगा। ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो ऑब्वियसली दिल्ली के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, किस राज्य ने महिलाओं में सीधी भर्तियों के लिए 35% आरक्षण, 35% सीधा आरक्षण दे दिया, सिर्फ वन विभाग में छोड़कर, वन विभाग को छोड़कर, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसको छोड़कर 35% का जो है वो सीधा सीधा क्या कर दिया, आरक्षण देने की बात कही है किसने, मध्य प्रदेश ने कहा है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति अभ्यास कहां पर हुआ, तो मैंने बताया उमरोई में हुआ, उमरोई मेघालय में हुआ संप्रति अभ्यास, संप्रति अभ्यास कौन सा संस्करण था, याद है ना, 11वां संस्करण था, 11th एडिशन हो जाएगा बेटा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए अगर बात करें, तो एक गैर सरकारी संगठन जो है वो घोषित कर दिया गया है, तो गैर सरकारी संगठन जो है घोषित कर दिया गया, इसको जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो इसके ऊपर क्या कर दिया गया है, पैन लगा दिया गया है। तो आपको याद रखना है बेसिकली अगर बात करें तो 2 को लगाया गया था, वैसे तो 3 को लगाया गया है, एक हो जाएगा बेटा ऑल त्रिपुरा, ठीक है, एक हो जाएगा बेसिक बेटा बेसिकली ऑल त्रिपुरा, त्रिपुरा टाइगर बेसिकली अगर बात करें तो फोर्स हो जाएगा ऑल, देखो ए नहीं लिखना है, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स हो जाएगा बेटा एक, तो
और दूसरा जो हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, तो एनएल एफटी हो जाएगा, एनएलएफटी हो जाएगा। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इसके ऊपर भी, तो हाल ही में तीन संगठन जो है सरकार के द्वारा प्रतिबंध किए गए हैं। ये हो जाएगा बेटा, लिख लीजिए ऑल इंडिया त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा, सॉरी ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, जिसको नहीं पता हो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ATTF और दूसरा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी, इनके ऊपर तीनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वावलंबन 2.0 किसके लिए हो जाएगा, तो मैंने बताया था जिसके तहत जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो सरकार ने जो है स्वावलंबन के लिए तहत 98 चीजों को जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। इंडियन नेवी का हो जाएगा, इसी में जो है 98 चीजों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है जो बाहर से आती थी। 98 प्रोडक्ट पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध, बैन लगा दिया गया बेटा 98 प्रोडक्ट्स के ऊपर सरकार के द्वारा, जो हम अब ये सारी की सारी चीजें अभी स्वदेशी बनेगी, अभी सारे कहां बनेगी, स्वदेशी बनेगी। तो इनके आयात के ऊपर, बाहर से मंगवाते उसको क्या बोलते आयात, बाहर भेजते उसको क्या बोलते निर्यात। भारत के साथ किस देश ने दो देशों के बीच में साझा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरबन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति आने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको पता होना चाहिए भैया, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है वो सुंदरबन जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है ये विवाद का विषय है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बोलते हैं सुंदरबन, जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ में। चलिए प्रचंड के साथ में आप जुड़िएगा जरा, जो बहुत जरूरी है, आप सब लोग जुड़िएगा प्लीज 17 अक्टूबर को 9:45 के ऊपर, ठीक है। तो मैंने अपने वादे के मुताबिक आपको कुछ नई, बस आपने वादे के मुताबिक अगर बात की तो कुछ नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले होंगे, ऑनलाइन में भी देखने को मिले होंगे। स्कोर बता दो अगर कोई बताना चाहे तो, क्रिकेट स्कोर नहीं अपना खुद का स्कोर, कि सर 60 कितने क्वेश्चन थे, 62 थे, 62 में से कितने सही हुए बताओ, 62 में से कितने सही हुए, क्वेश्चन है क्या कहना चाहिए। पटाखा मैं पहली बात तो यार मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा यार, क्या बताना चाह रहे हो सर, बताना पीएम की करंट बुक आई थी प्लीज बताना, कंफ्यूजन हो गई हूँ, दो नाम है थाई शशि थरूर और अरुंधति रॉय, प्लीज मैं समझा नहीं बेटा, मैं क्वेश्चन समझा नहीं, ठीक है ना, या तो क्लास खत्म होने के बाद, अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो इसके क्लास के खत्म होने के बाद आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए जरा, ठीक है ना, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप किस क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हो। ये पीएम के द्वारा कोई किताब लॉन्च की गई थी या पीएम के ऊपर कोई किताब लॉन्च की गई थी शशि थरूर ने या अरुंधति रॉय ने, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। और बाकी जितने भी सारे लोग भाई जिन्होंने एक बार सेशन को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक करते हुए चलिए जाइए जरा, ठीक है। चलिए तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद साथियों।